जाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में इसी दुआ उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं है जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ये खूबसूरत ड्रेसेस जो कि आज मेरी मॉडल्स ने पहने हुए हैं ये ड्रेसेस सिर्फ एक जोड़ा नहीं होते। अक्सर हम देखते हैं तनकीद भी करते हैं ना जब लोग डिस्कस भी करते हैं शादी के जोड़ा इतना महंगा इतना कीमती ज़रूरी है कि आप उसको उस दर्जे तक ना लेके जाएं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते और चाहते हैं उसके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन एक जोड़ा ये एक ऐसा होता है जो हर औरत बड़े संभाल के रखती है इसलिए कि उसकी सुहाग की ये उसकी खुशियों की अलामत होता है। ये एक रूप ये एक दिन ये एक अंदाज जो है ये उसकी पूरी ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है। ये उसकी अपने बारे में जो एक परसेप्शन है या अपनी ज़िंदगी के बारे में जो उसके गोल्स हैं टारगेट्स हैं उसमें एक बहुत अहम तरीन दिन भी होता है और एक अहम तरीन रूप भी होता है और उस रूप से जुड़ी हुई उस सिंगार से जुड़ी हुई हर एक चीज़ उसे बहुत अजीज़ होती है। ख़ास तौर पर ये जो जोड़ा है आपने भी अक्सर देखा होगा मेरी भी अम्मा का जो हमें मिलते थे लप्पे वाले गोटे वाले वो जोड़े शर्टें छोटी छोटी चूँकि जैसी चलती थी बहुत अच्छा लगता था दिल चाहता था। आप बार बार अम्मी से छुप के भी सर पर रख रख के देखा करते हैं कि कब मैं भी इस तरह के कपड़े पहनना शुरू करूँगी कब मेरे भी इस तरह के जोड़ा होगा कब मैं ये वाला जोड़ा पहनूंगी। आप पहन पहन के देखते हैं कि आपको फिट आते हैं कि नहीं आते। माँ के एड़ी वाले जूते माँ के सैंडल्स जो हैं वो कितना फैसिनेट करते हैं बेटियों को इसका अंदाज़ा शायद एक बेटी ही लगा सकती है कि वो किस तरह से देखती है वो एक मुकम्मल औरत बनने का जो उसके अंदर एक ख्वाब है या अल्लाह की तरफ से दी हुई वो जो एक इंस्टिंक्ट है जो एक उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक रखी हुई है एक बात वो अपनी तकमील के लिए प्यासी होती है तड़प रही होती है उसको उसका दिल चाहता है कि किस दिन मैं मुकम्मल होंगी किस दिन मैं भी इसी अंदाज में इसी रूप में आऊँगी। सो ये दिन जो है इसकी हर खूबसूरती और इसकी हर एक चीज़ बहुत अहम है। माँ का जोड़ा एक ऐसा खूबसूरत ना सिर्फ जोड़ा है बल्कि एक रिश्ता है। जब आप वो पहनती हैं तो आपको अपनी माँ की ज़िंदगी उसके साथ गुजरी हुई वो तमाम पल उसके साथ बिताई हुई वो सारी यादें जो कि आपकी मुश्तरका हैं वो आपके एक एक अंदाज एक एक चीज़ जो है वो आपको याद भी आती है और याद रहती भी है और फिर इस तरह से ये एक हिस्टोरिक चीज़ भी बन जाती है। माँ के पास भी अक्सर वो चीज़ें होती हैं जो नानी से मिली होती हैं। ये मेरी माँ के झुमके थे ये टीका मेरी माँ ने लगाया था ये मेरी माँ का कुंदन का सेट है या मेरी माँ की ज्वेलरी है ये मेरी माँ का दुपट्टा है। अगर आप उसे ऑल्टर करके भी ले लें तो भी आप उसको आपको पता होता है कि इसका एक हिस्टोरिक वैल्यू इसकी एक इमोशनल वैल्यू। ज़रूरी नहीं कि चीज़ों की कीमत जो है वो पैसों में हो उनकी जो इमोशनल वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है। आपको कोई सारी दुनिया की भी दे देना कोई चीज़ तो आप अपनी वो चीज़ जिससे आपकी जज्बाती लगाव है नहीं दे सकते। मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को बहुत सारे लोगों को अपनी बहुत एक महबूब पुरानी गाड़ी रखे हुए देखा है जिसमें अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि अब तो बेच दें अब तो इसमें कुछ नहीं रह गया बहुत सारे नए मॉडल्स आ गए हैं बच्चे ये भी समझा रहे होते हैं हम आपको ले देते हैं ना नया कुछ आप ये बेच तो दें लेकिन वो तैयार नहीं होते इसलिए कि शायद कोई समझता नहीं है कि उनकी वो जज्बाती वाबस्तगी उससे क्या है उनकी वो यादें क्या जुड़ी हुई हैं। और यही मामला इस माँ के दिए हुए दुपट्टे के साथ होता है जो एक खूबसूरत आंचल तो होता है जो आपके सर पे होता है लेकिन वो दुआओं भरी एक याद भी होती है वो दुआओं भरा वो हाथ भी होता है जो माँ अगर आपके साथ नहीं भी होगी आप रुखसत होके और विदा होके किसी भी मुल्क में दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे वो आपको एक साथ एक खूबसूरत मेमोरी एक खूबसूरत जिसे कहते हैं याद की सूरत में हमेशा रहेगा। सो लेट्स सेलिब्रेट कि हमारे पास वो चीज़ें जो कि मौजूद हैं हम उन्हीं को इनोवेट करें उन्हीं को इस्तेमाल करें और उनकी जो इमोशनल वैल्यू है उसको उतना ही ज़्यादा वैल्यू करें जितना कि हम किसी भी कीमत को करते हैं कि उसका प्राइस टैग जितना अहम है उससे ज़्यादा अहम ये बात है कि उसके साथ जुड़ी हुई बातें और यादें क्या हैं और वो किस हस्ती का या किसकी देन है किसका तोहफा है किसकी याद दिलाता है हमें। आज हम बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे इसलिए कि ये जैसे ही दिन कुछ ख़त्म होंगे उसके बाद शादियों का एक सिलसिला शुरू होना है और बहुत सारी लड़कियां जो मुंतज़र हैं जिनके लिए हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह सबको एक हंसता बसता जो सुखी घराना और संसार और उसके साथ साथ ससुराल और घर वाला जो है वो अता करें। हम आपके साथ शेयर करेंगे कि संसारा के खूबसूरत ब्राइडल डिज़ाइंस क्या हैं ड्रेसेस में क्या क्या चीज़ें इन हुई हैं आउट हो रही हैं ताकि आपने जो भी ड्रेस डिज़ाइन करना है उसकी इमोशनल वैल्यू को
आप जितनी जिद्दत उसमें ला सकती हैं वो आप डिज़ाइन कर सकें और सोच सकें, और उसके साथ साथ वो तमाम खूबसूरत मेकअप हेयर स्टाइल्स जो कि आज हफ्सा खान आपके साथ शेयर करेंगी और वो आपको बताएंगी कि कैसे यू कैन लुक गॉर्जियस स्टनिंग ब्यूटीफुल, आपका डी डे जो है वो और भी ज़्यादा हसीन हो जाएगा। और उसके साथ साथ ज्वेलरी जो कि बहुत खूबसूरत हमारी डिज़ाइनर की है, तो आपको सब कुछ आज शो में देखने को मिलने वाला है, आपने मिस नहीं करना। लेकिन पहले मैंने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी हमारे सारे मेहमानों से। ये मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी आज दोस्तें हैं जिनका खूबसूरत अंदाज सिंगार मेकअप ड्रेसेस हर चीज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ और ब्राइड्स हैं जो कि अभी हमने आपके सामने डिस्क्लोज नहीं की, उनको भी हम आपके सामने तैयार करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या क्या कुछ होता है, कैसे होता है जब आपका अपना मेकअप हो रहा हो तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। सब कुछ बताने के लिए मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त और मेहमान है यहाँ पे, हफ्सा खान फ्रॉम हफ्सा खान ब्राइडल सलून। मैंने इस दफा नाम सही लिया, हफ्सा हफ्सा हिफ्सा, यार ये हर दफा क्यों गलत है? हिफ्सा बिकॉज इट्स अ डिफरेंट नेम फॉर अस, नॉर्मली नाम हफ्सा ही है, ठीक है, जिसका मतलब कुछ और है जी। और मेरा मतलब हिफ्सा हिफ्सा, तो आप अब यहाँ मुझे शेरनी कह के बुला लें, हिफ्सा कह के बुला लें, टाइग्रेस ठीक है, शेरनी ठीक है, लेकिन हिफ्सा ब्राइडल सैलून। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, यार सब लोग इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इसको तो मैंने पहचाना ही नहीं, अभी जब ये रैंप पे आई है तो मैंने पहचाना कि ओ अच्छा। और फरा मॉर्निंग शो का ना हमारे पास बहुत चैलेंज होता है क्योंकि ये सब लड़कियाँ 4 बजे से तकरीबन 70 मिनट्स में तैयार हुई। अच्छा, बिकॉज वी स्टार्टेड एट 6:30 और 7:30 हम निकल चुके थे। अच्छा, लेकिन एक दफा ना ताली हमारी टीम के लिए 4 बजे से सब लोग निकल के शुरू पहुँचाना पिक। सो मॉर्निंग शो का चैलेंज जो है ना इट्स बियॉन्ड बिलीफ। और मैं और सारे ड्राइवर्स, हाँ साहब तारिक साहब, एवरीबॉडी, मेरी टीम को रियली हार्ड, यस हम, मैं हंस रही होती हूँ कि अगर तुम लोग एक घंटे में इतनी सारी ब्राइड तैयार करते हो तो इसका मतलब है कि तुम कर सकते हो। और फिर ऑब्वियसली हम नॉर्मल ब्राइड को तो 3 to 4 hours दे रहे होते हैं, बट इनका ब्राइड्स का टोटल टाइम 1 hour होता है फ्रॉम मेकअप टू हेयर स्टाइल, सो विच इज अ चैलेंज। लेकिन आप देख लें कि एक घंटे में भी दुल्हन अच्छी खासी तैयार हो जाए, अगर आपको ब्यूटिशियन जल्दी तैयार करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि जान छुड़ा दी, अच्छी तरह से टाइम नहीं दिया, ये बड़ी कंप्लेंट्स होती है। हाँ जी हाँ जी, टाइम तो दिया ही नहीं, टाइम तो दिया नहीं, बट एक्चुअली हम कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमें ब्राइड को रिलैक्स करके करना है, ठीक है, पर हमारा तो मैदान जंग होता है सुबह जब हम इनको तैयार। बिल्कुल अच्छा, आप सबने बहुत खूबसूरत ज्वेलरी पहनी हुई है और ज्वेलरी के बगैर तो औरत जो है ना वो जेवर के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। सो बहुत खूबसूरत ज्वेलरी जो है महफूज ज्वेलर्स की, तशरीफ लाइए। समरा कैसी है? समरा सबने बहुत अच्छी खूबसूरत ज्वेलरी पहनी हुई है, लेकिन आपने जो खुद पहनी हुई है ना ये बड़ी कमाल है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छी से तो आपने खुद पहनी है। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है हर ब्राइड ने बहुत अच्छी बेस्ट ज्वेलरी पहनी हुई है और हर अपने तौर पे बहुत खूबसूरत है, और बिकॉज उसके अंदर मालाएँ भी हैं, चोकर भी है, उनके हार भी हैं, उनके झूमर भी हैं, टीके भी हैं। पहली दफ़ा है मतलब उस तरह से डिज़ाइनर्स जैसे खातून के नाम पे हो ना तो खातून से मुलाकात एक्सपेक्ट करी होती है। मैं 4 दफ़ा मैंने कंफर्म किया है महफूज ज्वेलर्स और समरा महफूज ज्वेलर्स और समरा, तो ये क्या है? ये एक्चुअली ये कि ये हमारा बहुत फैमिली बिजनेस है। अच्छा। मेरे फादर इन लॉ महफूज साहब ने आज से 40 years back शुरू किया था। अच्छा। और वंस आई गॉट मैरिड तो मैं इसी बिजनेस के अंदर आई लैंडेड अप इनटू दिस बिजनेस एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल माई ब्रदर इन लॉज और माई हस्बैंड आर इन दिस बिजनेस। और अब यह है कि माशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, माई नेफ्यूज, माई सन, दे आर फॉलोइंग आर फुटस्टेप, तो इट्स अ लेगेसी विच वी आर कंटिन्यूइंग अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन ये जान के अच्छा लगा कि बहू जो है वो ससुर का बिजनेस भी संभाल सकती है, बहुत अच्छी तरह संभाल रही है ना, और माशाल्लाह इनकी भी बड़ी हिम्मत होती है जी व्हेन द ज्वेलर्स आर कमिंग टू वर्क विद अस, क्योंकि ये लोग भी सुबह 4 बजे से भाग रहे हैं और फिर सारी ज्वेलरी को इकट्ठा करना और मैच करना। सो और पता है हिफ्सा, ये एक दो हफ्ते से ये टर्मोइल शुरू हो जाती है, ऑब्वियस यू हैव टू मैच द ज्वेलरी हर एक के साथ, फिर उसके बाद हमें इनकी हेयर एक्सेसरी सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको पहुंचानी होती है, बाकी रेस्ट बाद में पहुंचानी होती है, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी इशूज भी हमें बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, वी हैव टू टेक आवर स्टाफ अलोंग विद अस, इट्स अ लॉन्ग वॉक। आपने देखा आपके सामने जो ऐसे 2 घंटे में आपने यूं करके गुजार देना मॉर्निंग शो, उसके पीछे कितने लोग कितनी ज्यादा टाइम से कब से उठ के बेचारे जो है वो सब भाग रहे हैं। बिल्कुल, और हम आपके सामने जो है वो आज यहाँ पे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इन सबको देख के, और मेरी दिल से दुआ है
कि ना सिर्फ ये मेरी प्यारी प्यारी सी मॉडल्स बल्कि वो सब लड़कियां जिन्होंने अपने जिन्होंने रुखसत होना है अपने अपने घरों में जाना है, अल्लाह ताला आप सबको सुखी रखे, बहुत सारी खुशियां दे। लेकिन एक छोटा सा चीज़ है, वो लड़कियों को भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है ना सा। मुझे लगता है कि आजकल लड़कियां भी थोड़ी बहुत डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो गई हैं। वो फरा मैं करना चाहूँगी उस पर कॉमेंट। देखिए ये लड़के पर डिपेंड करता है कि उसको वर्किंग लड़की चाहिए या उसको हाउसवाइफ चाहिए। सो ये फैसला तो शादी से क्यों को लाएं? हम इंजीनियर्स को लें, डॉक्टर्स को लें, आर्किटेक्ट्स को लें, फिर हम उनसे कहें कि आप घर बैठ तो वो ज्यादा। सो अब आई थिंक क्योंकि आई एम डीलिंग विद ब्राइड्स ऑल द टाइम, सो मुझे ये फील होता है कि आप पहले अपनी प्रेफरेंस सेट कीजिए, आप लड़की को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, अगर वो वर्किंग में है, शी इज़ एन इंजीनियर, शी इज़ एन आर्किटेक्ट, शी इज़ वर्किंग डॉक्टर है और काम करना चाहती है और आप उसे एग्री भी कर रहे हैं तो फिर उसे करने दीजिए। और अगर बच्ची हाउसवाइफ कैटेगरी में फॉल कर रही है तो फिर आप लड़की देख के लगे। ठीक, क्योंकि हम जब लड़कियों को चेंज करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है। सो दिस इज़ अ वेरी आई थिंक मुझे तो अपनी 13 साल मेकअप इंडस्ट्री में लड़कियों से बात करके उनको बाद में मिलके उनके मसले सुन के यही समझ आया है कि हम सिलेक्शन के वक्त सोच रहे होते हैं कि हम लड़की को चेंज करें। तो मेरा तो ये है। अच्छा हिफ्सा, मैं थोड़ा इससे डिसएग्री करूँगी। मेरे ख्याल से अगर आपकी वर्किंग वुमेन होती है, दे स्ट्राइव टू वर्क वेरी हार्ड टू बी अ गुड होम मेकर एज वेल। बिल्कुल, बिकॉज यू सी दे हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन देयर वर्क एंड देयर हाउस होल्ड। और उनको ये पता होता है, इट्स अ चैलेंज फॉर देम एंड दे एक्सेप्ट इट विद अ वेरी बिग ओपन हार्ट और बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा करते हैं। लेकिन उनको घर ना बिठाए। नहीं, एब्सोल्युटली दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल, आजकल तो वो जमाना नहीं है, यू कांट फोर्स एनीबडी कि आप घर बैठे या ये कर। आई शुड इट शुड बी योर पर्सनल चॉइस, जैसा लड़की करना चाहे वैसा करना चाहिए। और वाकई जो लड़कों की डिमांड्स होती हैं, घर अच्छा हो, साफ हो, सब कुछ हो, दिस इज पार्ट ऑफ करेंगी तो वर्किंग है वो तो करेंगी, बट आप पहले फैसला करें कि वर्किंग चाहिए आपको या हाउसवाइफ चाहिए एंड देन डिसाइड। ये इतनी खूबसूरत मेहंदी की हमारी ब्राइड्स को, इसके तो मुझे ज्वेलरी देख के मेहंदी का लगा, मुझे बताया गया था मेहंदी की दो ब्राइड्स। जी हम आपको इनको भी फूलों की ज्वेलरी पहना के दिखा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने मेहंदी का ड्रेस पहना हुआ है। हम एक्चुअली वी वांटेड टू एक्चुअली हो ये रहा है फरा कि आजकल लड़कियां पूरे सेट्स भी पहन रही हैं और फूलों को भी मिक्स कर रही हैं। So we let her wear the full set and I will give you the flower jewelry also to see ke look kaise change hoga. Acha वैसे अगर इस तरह से देखा जाए ना तो फील नहीं हो रहा कि आज ये मेहंदी की है। जी ऐसे लग रहा है जैसे ये तो मैं अगर आपको इनको अभी मेहंदी में चेंज कर दूं बहुत अच्छा लगेगा। लाएं जी फूल लेके आए ताकि हमारी दोनों ब्राइड्स ने मेहंदी की रियल फ्लावर्स लाइए जी और उसमें हम देख सकें कि मेहंदी क्या लुक जो है वो सिर्फ ज्वेलरी के चेंज से कैसे आपका लेके आए का लुक चेंज हो जाता है। अच्छा अफसा, मैंने देखा आपकी जो ज्वेलरी आप मेहंदी के लिए बनवाती है ना जी, वो बहुत यूनिक बड़ी डिफरेंट होती है। जी इसमें आई थिंक आई टेल ऑल द गर्ल्स के आप इसके साथ पर्ल्स का यूज करें, स्वास्किस का यूज करें, वो उससे उसकी लुक चेंज हो जाती है। सो इट लुक्स लाइक हर कोई बना भी तो नहीं सकता ना, हर एक नहीं बना सकता जी। हैं लेकिन वेंडर्स लाहौर में ही हैं, बिल्कुल हैं, हमसे रब्ता कर लें हम बता देंगे, क्योंकि फूलों की अपनी एक खूबसूरती है और उनमें डेलिकेसी होनी चाहिए। और ये जरूरी है कि ओरिजिनल फ्लावर्स हो, ये भी तो जी बिल्कुल नहीं, वो फिर बहुत फेक हो जाता है। अच्छा ठीक है, वो बहुत फेक हो जाता है और आई थिंक वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है। सो मेरा ख्याल है कि अगर हम रियल को रियल रखें और साथ मिक्स कर लें तो बड़ी अच्छी लुक आ जाती है। ओरिजिनल फ्लावर्स की अपनी खूबसूरती है वो बहुत उनकी। इन गजरों के जरा इयररिंग्स लेके आए गर्ल्स आगे प्लीज, ये अभी आपको हम पहना के दिखाते हैं जी। और ये जो है ना, जैसे इसने पहने हुए हैं कानों में, कितना खूबसूरत लग रहा है, टीका भी इवन। और आप इसमें देखें कि आजकल लड़कियां रियल मिक्स कर रही हैं, सो हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अच्छा, सो दे आर डेफिनेटली वेयरिंग अ पीस इन द नेक ठीक। और कई केसेस में तो झूमर भी आ रहा है साथ। अच्छा, फूलों का पूरा पहन के साथ झूमर भी आ रहा है, तो बहुत सी वेरिएशन है। मैं चाहती थी आप सब वेरिएशन देखें। इफ यू वॉन्ट टू मिक्स ज्वेलरी विद फ्लावर ज्वेलरी, या आप इनको भी हमें चेंज करके देते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। सो यू विल हैव ऑल द लुक्स। जो आपने मेकअप किया है बहुत सटल, बहुत खूबसूरत सा, लाइट सा, एलिगेंट सा। फरा मेकअप का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, मेकअप अब नेचुरली है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा ब्राइड्स को भी देखेंगी तो बेस आपको ज़्यादा फील नहीं होगी। लिप कलर्स भी आप देख लें डाउन ही है, बिकॉज लड़कियों की डिमांड है कि मेकअप जितना कम लगे और जितना इनविजिबल हो, स्किन नजर आए। ये हम अब इस सीजन में भी आर गोइंग फॉर अ वेरी नेचुरल, अनलेस कि ब्राइड हमें डिमांड कर रहे कि मुझे बहुत शार्प लुक चाहिए
और बहुत शार्प कलर्स चाहिए, हम अपनी प्रेफरेंस पे शार्प कलर्स नहीं कर रहे. सो मे बी अगर आप इनका मेकअप देखेंगी तो ये कैन पास फॉर अ ब्राइडल ऑल्सो, फॉर अ बारात एंड फॉर अ मेहंदी. सो इसको मैं थोड़ा सा और लाइट ले जाती मेहंदी की सिचुएशन में, बट ये टोन इसकी लाइट है. ठीक. सो रेड लिपस्टिक भी ऑन डिमांड है, हैवी लुक भी ऑन डिमांड है, हमने ब्लैक बिल्कुल ओमिट कर दिया आंखों में से. ठीक है. सो देयर इज नो ब्लैक. ठीक. तो हम बड़ी सॉफ्ट कंटूरिंग्स करें बिकॉज लड़कियां हैं, यंग हैं, तो फिर वी डोंट नीड टू मेक देम लुक ओल्ड. बिल्कुल सही. अच्छा ऐसा करती हूँ मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनकी फूलों की ज्वेलरी और वो सारी चीजें एलिमेंट्स चेंज करके, ताकि आपको अंदाजा हो कि कितना बड़ा चेंज है. एक छोटी सी चेंज से आ सकता है, लेकिन ब्रेक पहले. जो है उनका मेकअप करेंगे यहाँ पे लाइव. कैसी हो? लुकिंग लवली. जरा नहीं फील हो रहा कि मेकअप नहीं है इस तरह से, तो इतना कोई केयर नहीं है. सो और झुलरी कितनी खूबसूरत वाकई, मतलब क्या क्या पहना हुआ है बेनिश ने पहले तो बता दें. डायमंड फोल की है, साथ इसके अंदर रूबीज का ये साथ लड़ा ब्रोच के साथ हमने हार दिया है लंबा, और ये ऊपर डायमंड फोल की है, अंदर मीने का काम भी है. अगर आप देख सकें ये बारीक बारीक मीने का काम हुआ है. मीने का काम कितना चल रहा है दोबारा, मतलब इट्स अ फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न डिजाइन. इस वजह से हम मीने को इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज वो ये कि पुराने और ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी चीज निकलती है. यहाँ तक कुंदन है, फिर मीना है. Exactly. ये क्या है? ये सारा आपका ये है कि ये डायमंड्स की सेटिंग के साथ है. ठीक है. बिकॉज इसमें तीन चार चीजें यूज हुई हुई हैं, और ये जो है ये एनेमल का काम कहलाता है. ठीक है. फिर ये देखें ये जो ब्रोच है, हमने ये दो ब्रोचेस दिए हुए. दे कैन कम अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस. आप यू कैन हैव वन ब्रोच और यू कैन हैव वन इन द सेंटर. ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है. इसके साथ हाँ दो अच्छे लगते हैं बिकॉज इनके पे कम्पलीट है. हाँ जी, दीज आर अनकट रूबीज और हम सॉलिड स्टोन्स के अंदर डील करते हैं. आप इसका कलर देखें कितना डीप कलर है, बिकॉज ये हमेशा सॉलिड के अंदर ही इतना डीप कलर आता है. और इसका लस्टर और शाइन एक बड़ा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल चमक धमक रहा है. हाँ कि सिंगल सेट अच्छा लगता है बट डबल सेट ज्यादा अच्छा लगता है. जैसे ही इसे बिकॉज पता है कंप्लीट कंप्लीट लुक आ जाती है. एंड स्पेशली इतनी खूबसूरत नेकलाइन है समसारा की, जैर ने ये ड्रेस डिजाइन किया है. तो इसके साथ इफ यू वेयर अ डबल सेट तो इट गिव्स इवन अ मोर गॉर्जियस लुक. सो डबल पहने अच्छा लगता है, सिंगल भी अच्छा लगता है, बट एम्प्टी लुक आता है. बिल्कुल. अच्छा समसारा का ड्रेस वाकई जो ज़ेर गुड डिजाइनर. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा कितना भरा हुआ ड्रेस है, मगर बिनिश आप तो ऐसे पहन के फिर इससे कोई टेंशन मसला ही नहीं है ना उसमें. बिकॉज आई थिंक द वेट इज मेड, द वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेल. हां तो पहनने का इतना मजा आ रहा है. मैं कह रही हूँ मैं उतारू ना, थोड़ी जरा घूम फिर के दिखाओ जो तुम अभी कर रही थी ना, कि ब्राइड इतना कंफर्टेबल. क्योंकि जब लड़कियां शूट के लिए जाती हैं तो बाल खराब हो जाते हैं. सो वी हैव फिक्स्ड द हेयर स्टाइल कि इस ड्रेस में अगर वो आउटडोर शूट भी करती है, जैसे आई वाज वांटिंग टू टेल ब्राइड्स कि आप आउटडोर शूट के लिए जा रही हैं तो फिक्स हेयर स्टाइल्स के साथ जाइए. अगर आप आफ्टर टचअप सैलॉन के लिए नहीं जा रही, यू नॉट गोइंग फॉर अ टचअप आफ्टर द शूट, तो बेटर हैव अ फिक्स्ड हेयर स्टाइल वरना बाल सारे खराब हो. ठीक है. सो इट्स बेटर कि आपने अगर वापस नहीं आना हमारे पास टचअप के लिए तो बालों को बंद ही रखें. अच्छा और ड्रेस चुके उज़ैर यहाँ पे नहीं है खुद, इतना अच्छा उन्होंने डबल शेड दुपट्टे में देकर और दुपट्टे का वही ना वेट एंड बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इतनी खूबसूरत की है. बिकॉज देखे सिर्फ रेड भी नहीं अच्छा लगता. हाँ, ऑरेंज और रेड कॉम्बिनेशन रेड का अच्छा लगता है कलर्स भी, और उन्होंने बकायदा ऑरेंज फ्लावर्स भी बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन से लेकर काम की डिस्ट्रीब्यूशन तक समसारा का डिजाइन इज स्टनिंग. हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके लिए बिकॉज सनिया शमशाद ने ये ड्रेस बनवाया था अपनी शादी में. सो वी लाइक इट सो मच, तो हमने उनको कहा ये हमें दीजिए और हम ये बिनिश को पहनाना. अच्छा बिनिश अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आओ क्योंकि हमने अपनी मेहंदी की जो ब्राइड है उसको चेंज किया है. फरा इनका मेकअप स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, अभी हम मेकअप शुरू करेंगे लेकिन पहले हम अपनी मेहंदी ब्राइड्स को तो देखें कि इनको आपने चेंज किया. अब हमने जी आपको वो लुक दिखानी थी, नरेज आप भी सामने आओ कि जहाँ पर हमने आपको आ जाइए, जहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जी आप किस तरह फूलों के साथ भी इसको पहन सकते हैं. सो अगर आप फ्लावर ज्वेलरी ऐड कर लें
तो यू कैन वेरी वेल गिव अ मेहंदी लुक. एक्चुअली आपको अगर याद होगा ये शैंडी लुक. सो वो हमने कहा था शैंडी स्टिल इन या वेरी मच बिकॉज जो लड़कियां नहीं करना चाह रही मेहंदी का फंक्शन अलग से वो बारात और शैंडी को मिक्स कर रहे हैं. सो बारात और मेहंदी को मिक्स करके वो शैंडी कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो शैंडी लुक. आपने कुछ बारात का भी लुक दे दिया, आपने कुछ मेहंदी का भी लुक दे दिया, कुछ आपने बारात के एलिमेंट्स ऐड कर दिए, कुछ आपने मेहंदी के. सो फ्लावर्स वुड बी फॉर द मेहंदी एंड द ज्वेलरी वुड बी फॉर द बारात एंड द ड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन. ठीक. सो दिस इज वेरी मच अ शैंडी लुक. एंड देन येट अगेन मेहंदी पे भी लड़कियां इतना ही हैवी तैयार हो रही हैं. अच्छा. सो वी आर गिविंग ऑल काइंड. ये जरा लाइटर लुक है. इसमें टिपिकल मेहंदी का अगर आपने एक अलग एक्सक्लूसिव अलग ही ग्रीन में आप देना चाह रहे हैं और अगर आप नहीं पहनना चाह रहे सेट तो ना पहनी है. सो इट कैन जस्ट बी विद फ्लावर्स. इनके बाल हमने आगे स्ट्रेट खोल दिए. हम इसमें अगर उनको हार ना पहना रही होती तो मैं इनको ब्रेड देके उसमें फ्लावर्स डाल देती. सो ये जरा और ड्रेस्ड अप लगता. ब्रेड्स कितनी चल रही हैं आजकल मेहंदी के? उसमें ब्रेड्स, फ्लावर ब्रेड्स एंड फ्लावर ब्रेड्स आपको अभी नजर आने वाली है. आपको मैं दिखाती हूँ जो कि एकदम पीछे छुपी हुई है. हाँ जी, बहुत प्यारी है. ब्यूटीफुल. सो वो ये भी संसारा ने कितना खूबसूरत नरेजा. थोड़ा सा अगर आप इस ड्रेस को हमें डिस्प्ले करके दिखा सको कि ग्रीन कलर का भरा हुआ उसने दुपट्टा दिया एंड सिल्वर सिंपल जैसे कहते हैं ना ग्रीन कलर का एक बड़ा खूबसूरत एलिफेंट्स का इसके ऊपर मोटिव है. हाँ. स्पेशली एलिगेंट और ऊपर एक छोटी चोली के साथ. हाँ जी. आई थिंक द आउटस्टैंडिंग थिंग अबाउट दिस क्लोथ इज द कलर ऑफ द वर्क इज वेरी डल. उन्होंने इसको ब्राइट नहीं किया सो टैकी नहीं हुआ. सो यू नो द मोर इट इज लाइक सटल इट लुक्स नाइसर ब्लेंडेड. ये इसकी खूबसूरती है इस ड्रेस की भी. और टिपिकल जो हमारा एक पीले रंग के फूलों का एक है ना एलिमेंट जो हमारी कुछ टिपिकल चीजें हैं वो है अपनी खूबसूरती है. आप उसको जितना मर्जी मॉडर्नाइज करने की कोशिश करें बट जो एक टिपिकल लुक है वो अपनी जगह. इसमें फर्क जब भी हम डिस्प्ले देते हैं ना लाइक इन अ मॉर्निंग शो और इन अ शूट आई ऑलवेज एड येलो एंड मेहंदी बिकॉज इट लुक्स फैबुलस. सो मैं ब्राइड्स को भी ये कहती हूँ कि आप येलो का एलिमेंट का टच दीजिए चाहे माइयों पर दीजिए मेहंदी पर दीजिए बट दैट्स द बेसिक ऑफ आर कल्चर ऑल्सो थोड़ा सा कि वो येलो की लुक अच्छी. ठीक है. इसमें आप देखेंगे इसमें डबल दुपट्टे से सेटिंग की है हमने. सो ये चूंकि मैं शैंडी का लुक देना चाह रही थी अगर ये सिर्फ मेहंदी करती तो वी कुड हैव जस्ट डन विद वन दुपट्टा. बिल्कुल सही. तो ये भी एक कलरफुल लहंगा है पिंक कलर का शॉकिंग पिंक कलर का भरा हुआ एंड उसके ऊपर ऑरेंज कलर का गोटे के साथ थोड़ा सा सेट हुआ और डबल दुपट्टा इसलिए कर रहे हैं सो दैट अगर ये शैंडी की लुक कैरी करना चाहती है तो हम इसको डबल दुपट्टे के साथ शैंडी की लुक भी कर सकते हैं. ठीक है. कि मेहंदी एंड बारात अगर आपका निकाह पहले हो चुका है जी. तो कोई जरूरत नहीं आप मेहंदी एंड बारात फन भी हो जाए रुखसती भी हो जाए एक फेस्टिविटी भी हो जाए और एक सारा. सो माय थिंग वाज कि मैं आपको डिफरेंट चीजें दिखाना चाह रही थी. अगर ये मेहंदी करना चाहती तो फिर मैं इनको फूल पहना के एक ही दुपट्टे के साथ. ठीक है. सो शैंडी पे और बारात पे डबल दुपट्टे के लो. थैंक यू. बहुत खूबसूरत लग रही है सारी. आ जाओ बिनेश क्योंकि बिनेश का अब हम मेकअप शुरू करेंगे. हमारी इनका अब हम आपको फाइनल लुक करके दिखाएंगे एंड एंड देन यू विल बी एबल टू गेज के आप जैसे कि देख रही हैं कि बेस हमने सबकी बहुत ही नेचुरल लेवल पे रखी हुई है बिकॉज ये बिल्कुल लड़कियां अब हैवी लुक नहीं चाह रही हैं तो थोड़ा सा हम इनकी बेस फिक्स करेंगे एंड देन वी विल डू द मेकअप. आइएगा. अच्छा ज्वेलरी की सिलेक्शन जब हो रही होती है मुझे बताएं ना कि सबरा उस वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी. उस वक्त एक तो मैं कहती हूँ कि ज्वेलरी दे आर जस्ट नॉट पीसेज ऑफ ज्वेलरी दे आर पीसेज ऑफ आर्ट और इनके साथ इनकी इमोशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है. तो मैं कहती हूँ हर पर्सनल पीस जो होता है ना उसके साथ द गर्ल्स आर मेकिंग मेमोरीज. अब आप ये देखें ये बाद में ये कॉलर ये बाद में अलहदा भी पहन सकती हैं हाथ भी अलहदा पहन सकती हैं सो इट कैन फिट ऑल फॉर ऑल देयर ओकेजन. और विनेश के जो ये ना माथा पट्टी लगी जी जी माथा पट्टी खूबसूरत साथ ही डिजाइन हुई है. हाँ, अलग से नहीं है कि अलग से आप ले लें क्योंकि होता ही है कि हमने बहुत कीमती कुछ पहन भी लिए माथा पट्टी साथ नहीं है तो वो एक बहुत हैप्हैज़र्ड सी लुक आ जाती है. तो दिस इज गिविंग हर अ वेरी कंप्लीट लुक और माथा पट्टी के साथ और इसके इयररिंग्स भी आप देखें बहुत खूबसूरत हैं. रूबीज का साइज बहुत खूबसूरत है. आई थिंक तुम्हें मैं सेट कर दूँ. थोड़ा सा वो अभी ऐसा एक कॉम्बिनेशन है ना कि ये मुख्तलिफ जो इवन इफ यू वॉन्ट्स टू वेयर जस्ट इयररिंग्स ये इयररिंग्स भी पहन सकती है खाली गले का पहन ले मतलब इट कैन फुलफिल ऑल हर ओकेजन. और आगे इंशाल्लाह आगे भी बिकॉज लड़कियों की ना इमोशनल वैल्यू बहुत अटैच हो जाती है फरा किसी भी ज्वेलरी के साथ वो उनके पेरेंट्स ने दी होती है. टाइम पे मिला था ये उसने दिया था ये इस टाइम की ज्वेलरी है बिल्कुल एब्सोल्युटली मुझे लगती भी बहुत अच्छी है जब इस तरह की बातें होती है. और मुझे तो लगता है कि एक सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है आपकी और आप अगर बच्ची को जो सबसे
अच्छा दे सकते हो आपके ज्वेलरी देनी चाहिए। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि जो ज्वेलर से परचेज है ना उसका भी रिकॉर्ड आए दे ही वो। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, पहले सिर्फ हम थे। नहीं नहीं अब वी आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट। आपसे पहले जितनी ज्वेलरी खरीदी हुई है वो ठीक है, अब जो ज्वेलरी आप खरीदेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगी थ्रू एफबीआर, विच इज गुड के पता हो सबके पास की कितना कितना कुछ है। बिनिश का मेकअप शुरू करें आप सा। जी बिल्कुल, बताइए कि क्या आप पहले बेस कैसे। अच्छा जी, इनकी बेस हम अभी फाइनल करेंगे क्योंकि ब्लेंड करेंगे, हमने इनको प्री कंसील किया हुआ है और लुक हम आपको वही देंगे लाइटर, वेयर इनकी अपनी आंखें बहुत खूबसूरत हैं वो भी दिखती रहें, इनके लिप्स बहुत अच्छे हैं, इनको हम मरून में भी कर सकते हैं बट चूंकि सारा ड्रेस ही मरून है सो आई वुड रादर हैव द लिपस्टिक इन कोरल ताकि इनकी सॉफ्टनेस, आई थिंक द आइडिया इज सॉफ्टनेस। अभी आप देख लें अक्टूबर आ गया है और गर्मी खत्म ही नहीं हो रही है ना मिल रही है, तो हमें अभी भी लिटरली मतलब व्हाइल आई एम शोइंग यू फॉर द अपकमिंग सीजन फॉर द मतलब विंटर्स के लिए फॉल के लिए, बट मुझे इस सीजन के लिए अभी आपको लाइट दिखा अभी है ना, अभी जैसे ये सफर थोड़ा सा गुजरेगा यानी नदर अगला महीना तो उसके बाद शादियां जो शुरू होंगी मेरे नहीं ख्याल के वो सर्दी के उसमें फॉल करेंगी इसी एनवायरमेंट में, कुछ गर्मी सर्दी का मौसम है तो मैं आपको पहले मरून लिप कलर भी करूंगी और फिर मैं आपको लाइटर लिप कलर भी दिखाऊंगी सो दैट यू कैन सी के क्या वेरिएशन आ रही है। आप इनकी बेस फाइनल करेंगे ओके okay. लेकिन उससे पहले ना मैं एक ब्रेक लूंगी, हम आपको ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इनका मेकअप फिनिश करेंगे, मैं आपको एक अलग से ना बेस बनवा के भी हिस्सा जी जरूर क्यों नहीं हो सकता बेस कैसे बनाना है ताकि अगर आपने खुद जाना है अटेंड करनी है वेडिंग्स तो आपको पता हो कि अच्छा क्या करना है कैसे करना है। और बाकी इन द कमिंग ब्रेक आप ट्यून रहिएगा ताकि आप हफ्सा का ब्यूटी ट्रिक्स एंड मेकअप ट्रिक्स मिस ना करें। वेलकम बैक, इतनी गर्मी है और हम आपको बता रहे हैं कि वेडिंग पे आपने कैसे तैयार होना है, लेकिन उससे पहले लेट्स वेलकम उजैर फ्रॉम समसारा। हम अभी आपकी ड्रेस की तारीफ कर रहे थे, फिलहाल इसकी वैसे सारी बहुत खूबसूरत है मगर जो बिनिश ने पहना हुआ है क्या बात है इस ड्रेस। और फरा ये पता है कब इट हुआ? हाँ, सनिया ने इनसे ये बनवाया था अपनी शादी के लिए और उसके बाद आई थिंक मेरे पास कुछ 4-5 ब्राइड आ चुकी है, मैंने कहा आज यही रहे, मैंने उजैर यही बना रहे हैं इनको, ये है ही बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें क्या क्या कुछ किया हुआ है वैसे उजैर आपने? इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन थी हमारी डिजाइन टीम और हमारे जो सैम्पलर्स हैं अड्डे वाले जिनको हम ज्यादा क्रेडिट नहीं देते हमारी इंडस्ट्री में, तो बेसिकली जो सेटिंग्स हमने इसके ऊपर की थी वो बहुत डिफरेंट है कम्पेयर टू हमारे बाकी सारे जोड़ों में, तो जो कलर और कॉम्बिनेशन हमारी सोच ये थी कि समथिंग वाइब्रेंट ठीक है एट द सेम टाइम समथिंग इंट्रिकेट जो हमारे कल्चर को बिल्कुल मुझे तो अपना भी जोड़ा जो मैंने पहना हुआ है इतना खूबसूरत इतना मैनेजेबल लग रहा है कि अगर मुझे खुद भी किसी भी इवेंट पे जाना हो तो दिस इज द काइंड ऑफ ड्रेस आई वुड लव टू वेयर। थैंक यू। बिल्कुल सिंपल है, कट बहुत अच्छा है, कट बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, बड़ा कंफर्टेबली डिस्ट्रीब्यूट और बहुत अच्छी बात पता है मुझे क्या लग रही है, नीचे से बिल्कुल नहीं चुप रहे, बिल्कुल नहीं चुप रहे। ये क्या सवाल किया हुआ है? वाकई खराशें बढ़ जाती है। ऑनेस्टली ये जो आपने बात अभी की है हमारी बहुत सारी ब्राइड्स आती है हमें कहती है कि आपके जोड़े नीचे से नहीं चुपते, अब हमें नहीं समझ आती कि व्हाट इज इट डिफरेंट है ना, मुझे समझ आ गई नहीं। देखिए ना डबल आपने एक्चुअली नॉर्मली कपड़ों में जैर होती है बट सम पीपल डोंट पुट लाइनिंग्स और आई डोंट नो बट दिस समथिंग आई कांट टेल बिकॉज़ आई एम नॉट अ डिजाइनर, बट कुछ है जो कि आपको ब्राइड्स को कर देता है। हमने बेसिकली अपने स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऐसे रखे हुए हैं कि हमें खुद नहीं पता, हमने जब से शुरू किया था समसारा तब से हमने अपने स्टैंडर्ड रखे हैं कि हमने इससे नीचे काम नहीं करना। वो दैट शोस द रिफ्लेक्स लाइनिंग है, वही मैं भी बार बार करके दिखा रही हूँ कि लाइनिंग है सो दैट दे डोंट गेट क्रैशें पड़ी होती हैं आपको बुरा हाल। हमें ना इस साल बहुत ज्यादा ब्राइड ने आके ये चीज हमें कही कि आपके ड्रेसेस नहीं चुभ रहे, कि जैसा किसी ने बारात कल हमसे लिए वलीमे कहीं और से लिए तो वलीमे वाले से खराशें पड़ गई और हमारे जो जोड़े थे, और हमें अगेन वही वाली बात कि हमने एक अपना स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि इससे हमें नीचे काम नहीं करना। तो हमें आपकी टेक्निक को नहीं पता बट यू गॉट इट राइट। थैंक यू। अच्छा थैंक यू वेरी मच उजैर, लेकिन आप ये सामने कुर्सी है ना मेरी, ये आपकी है ठीक है, यू हैव सीट, क्योंकि अब हम खवातीन खालिस औरतों वाले काम में जाने लगे। हां बिल्कुल, तो हिफ्सा जी शुरू होगा मेकअप। चले जी, और आप लोग फोकस आप रखेंगे? हम फोकस रखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। फरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना मेकअप में, और जहाँ हम गलती भी कर देते हैं और जो नहीं करनी चाहिए, कि अगर इतना भारी जोड़ा पहना हुआ है दुल्हन ने और ज्वेलरी पहनी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मेकअप को भी ओवर लेयर करके उसको बहुत ज़्यादा केक पेस्ट्री बना दें। ठीक। सो जितनी आप लेयर को हम लेयरिंग करते हैं, द बेस इज 7 लेयर्स बेसिकली, 7 लेयर्स होती हैं,
बट जब वो लग जाती हैं तो वो बहुत यूनिफॉर्म और इवन इफेक्ट दे रही होती हैं। और आप जैसे कि देखिए हम इस वक्त नॉन साफ लेयर्स लगी नहीं है, लगी नहीं है अभी, आपसे बातें करते करते तीन हमने और भी लगा दी हैं। अच्छा राइट, सो ये सेवन लेयर्स का काम हुआ है बट व्हेन एवेंचुअली वी फिनिश ये यूनिफॉर्म लेयर लग रहा होता है। तो कई सब ब्राइट्स डर जाती हैं कि आप अच्छा इतना लगाए चले जा रहे हैं आखिर जाएगा कहाँ। सो उसमें कुछ प्रोसेस ये होता है कि हम लगाते हैं और कुछ उतारते हैं, फिर लगाते हैं कुछ उतारते हैं, तो उसको हम एब्जॉर्ब कर देते हैं स्किन में। बट एवेंचुअली द लुक शुड बी सो इवन कि देख के आपको कोई ये ना कहे कि आप क्या केक हैं जिसपे बहुत सारी क्रीम लगी हुई है। लेकिन ये बहुत सारा जो है जो लेयर्स है वो नजर नहीं आ रही और बड़ा खूबसूरत हाईलाइट उन्होंने किया है। हाँ जी, अब ये है कि व्हेन वी स्टार्ट द मेकअप तो हम पहले आईज का जो है जिसपे दो पार्ट्स को हम हाईलाइट करते हैं, पहले आपने उसका हाईलाइटिंग एरिया लेना होता है और फिर आपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना होता है, बिकॉज दो एरियाज को हम सिक्योर कर लेते हैं क्योंकि इनमें कलर बहुत ज्यादा नहीं हम देते हैं ना, हम इनर कॉर्नर में बहुत ज्यादा इंटेंस कलर देते हैं ब्राइट को, मे बी इफ इट्स अ फैंटेसी मेकअप इज समथिंग एल्स, बट ब्राइट की आंखों को हमें लाइट रखना होता है। सो द हाईलाइट इज ऑन द आईब्रोज के नीचे हाईलाइटिंग एरिया पे एंड द इनर कॉर्नर आप जैसे कि देख रहे हैं हम इसको बड़े सिल्वर गोल्ड अच्छे से कलर के साथ इसको हाईलाइट करें। मेकअप करते हुए बहुत ध्यान रखना होता है कि जब आप स्टार्ट करें तो आपकी क्रीज में जैसे आप देखें बेस नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप बेस के ऊपर मेकअप कर देंगे तो वो वहीं चिपक जाएगा। ठीक है, सो ब्राइडल मेकअप इसलिए इतना स्मूथ लगता है कि इस पर भी बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग हो रही होती है। सो इफ यू डोंट ब्लेंड इट तो ये बहुत मोटा मोटा और बहुत अनटाइडी लगेगा। और मैं ब्राइड्स को भी यही कहती हूँ कि जब तुम आते हो बुकिंग कराने आते हो देख रहे होते हो मेकअप देखते हो तो देखो कि मेकअप पे कितनी लेयर आइज पे, वी डोंट वांट के ग्लिटर आंखों से गिर रहा है, बहुत थिक है, कॉर्नर्स बहुत हार्श बने हुए हैं। सो ये सब कुछ हो सब कुछ रहा है लेकिन कलर भी कम है और रेजोल्यूशन भी लो है बट लेयरिंग कर रहे हैं हम। और ये अब हो रहा है इनकी सॉकेट को हम बिल्ड कर रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सीजन में हमने टोटली ब्लैक को एलिमिनेट कर दिया है। सो अनलेस अ ब्राइड आस्क मी एंड शोज मी एन इमेज वेयर शी वांट्स ब्लैक, हमारे सिग्नेचर स्टाइल में से अब ब्लैक माइनस हो चुका है। सो कहीं कहीं हम दे देते हैं बहुत हल्का अगर आंखें बहुत बड़ी हो, लेकिन ये हाँ वही मैं बात करने लगी थी कि जिन लोगों की आंखें बहुत बड़ी हो या बल्जिंग आईज हो उनको हम कहीं कहीं टच कर देते हैं। बट एंड ऑब्वियसली हम जो ब्राइड्स को दिखा रहे होते हैं वो उसको पसंद भी कर रही होती हैं और अप्रिशिएट भी कर रही होती हैं। सो दिस सीजन हमने जब लोगों को दिखाया और हमने मॉडल शूट्स किए तो दे ऑल्सो वॉन्टेड कि जी हमें आप अब इसमें आप देखें काफ़ी दफ़ा लेयरिंग होगी, ब्राउन भी कम से कम 7-8 दफ़ा लेयर होगा। ठीक है, बट येट अगेन जब वो आप उसको फाइनल लुक में देखेंगी तो वो आपको बिल्कुल ब्रांडेड सा सॉफ्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, भले ब्राउन भी लग रहा है और मरून भी लग रहा है, इसमें कोरल भी लग रहा है, तीनों कलर्स आ रहे हैं बट अगेन उसकी ब्लेंडिंग जो है वो इतनी स्मूथली की जा रही है कि ब्राउन कोरल मरून मिक्स होके एक इफेक्ट दे रहे हैं जो आप लोग घर में इसी मेकअप को, अब तो इतना ब्राइडल मेकअप भी इतना नॉर्मल हो गया है कि आप एक अच्छा आई मेकअप के साथ लाइटर शेड लिपस्टिक का कैरी करना चाहते हैं तो यू कैन गो विद दिस, बिल्कुल कर सकते हैं फरा। लेकिन थोड़ा सा मैं जो समझती हूँ कि क्या फर्क होता है प्रोफेशनल के हाथ में और जब हम घर में करते हैं कि जैसे अब हमारी समर्स भी थी तो हम सारा सीजन प्रैक्टिस कर रहे थे, सो यू नो फॉर अ गर्ल हु इज प्रैक्टिसिंग मेनी टाइम्स ओवर अ डे और अटेंडिंग 10-15 टाइम्स अ डे टू समबडी हु इज डूइंग एट होम, उसमें फिनिशिंग में फर्क डेफिनेटली आ जाता है। सो चूंकि इनका काम ही है सो इवेंचुअली जब ये करती हैं तो उसकी या हम करते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बट घर में भी करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप ट्यूटोरियल्स देखें और फॉलो करें तो आप लुक ले सकते हैं। ये क्या अप्लाई हुआ? अच्छा, अब हमने इनको जी ब्राउन में ही हमने इनको एक लिक्विड अप्लाई किया है। ठीक है, जिसके साथ हम उसकी ब्लेंडिंग करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ब्लैक नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ ब्राउन लिक्विड, बहुत इनर सॉकेट जो है। हाँ जी, इट्स अ लिटिल क्रीमी। ठीक है, और ये क्रीमी के साथ हम इसको ब्लेंड करते हैं क्योंकि देखिए जो बारात का मेकअप है या वलीमे का मेकअप है उसको हम देते हैं 12-14 आवर्स की स्टे। ठीक, और जो निकाह का मेकअप है जिसमें इवेंट होना है और ब्राइड ने रुखसती नहीं है उसका हम करते हैं 5-6 आवर्स का स्टे, पार्टी मेकअप का होता है तकरीबन 4-5 आवर्स का। सो स्टे के अकॉर्डिंगली हम लेयरिंग बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, सो इसी में मेकअप आई मेकअप में भी स्टैंड्स टू के क्योंकि इनको 12 घंटे भी शी हैज़ टू बी अ ब्राइड, मे बी 14 भी हो सकते हैं, मे बी शूट की वजह से वो हो सकता है, अगर वो ट्रैवलिंग ब्राइड है गुजरांवाला जा रही है मुल्तान फैसलाबाद जा रही है तो वो तो हो सकता है सुबह 10-11 बजे तैयार होकर चली गई हैं, सो अकॉर्डिंगली हमें उसको बढ़ाना पड़ता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह से उन्होंने जिस जगह पे अप्लाई किए जितना इट्स अ कॉर्नर जी, इट्स अ कॉर्नर। और हम अब फैशन खत्म हो गया है, आंखों के साथ बढ़ा बढ़ा के बाहर मेकअप नहीं किया जाता, सो यू वी स्टे इन द ब्राइट आईज विद इन द आई सॉकेट एंड देन वी डू द मेकअप। और एक ज़माना था कि बहुत लोग कहते थे कि जी हमें चाइनीज़ बनानी है, चाइनीज़ लुक आ रही है ना, ओरिएंटल लुक आ रही है। सो हमारी दिस साइड ऑफ द रीजन में आंखों में ओरिएंटेशन है थोड़ी सी, उसके लिए भी हम केयरफुल रहते हैं कि ऐसा मेकअप ना कर दें कि ब्राइट जो है वो चाइनीज़ डॉल लगने लग जाए।
ठीक है, तो उसमें भी लोगों को काफी एतराज होता है. सो दैट्स व्हाई वी कीप द मेकअप इन विद इन द लाइन एंड देन वी मैनूवर इट अकॉर्डिंग टू द आई शेप. ठीक. सो ये अब आप देखें कि इसमें ब्राउन कोरल मरून हम सॉकेट में दे चुके हैं. कॉर्नर हम ब्राउन लिक्विड से कर रहे हैं. आईब्रोज हमने इनकी हल्की सी बनाई है बट इनको फिनिशिंग टच हम दोबारा देंगे. आजकल जो आईब्रोज का फैशन है वो थोड़ी हैवी है. सो वी आर कीपिंग द आईब्रोज हैवी बिकॉज नॉर्मली लड़कियां आजकल मेंटेन अपनी आईब्रोज भी हैवी ही मेंटेन कर रही हैं. ठीक है. और थ्रेडिंग का फैशन कुछ कुछ कम होता जा रहा है. वेरी गुड. हाँ जी, नीट नीट करा रहे हैं लोग. तो हमें उनको उसको देखते हुए फिर हम आईब्रोज को बहुत हैवी नहीं कर रहे, बहुत पतला नहीं कर रहे. सॉरी, कीपिंग इट ऑन हैवी. ठीक. आंख के नीचे लिड पे भी उसी ब्राउन शेड के साथ वो हल्की सी एक लाइन जो है जी वो दे रही है. इसमें हम ये कर लेते हैं फरा के जब अगर मैंने कलर देना हो तो जैसे कि शी हैज सम ग्रीन इन द ड्रेस तो हम इसको लोअर लैश लाइन को लोअर लैश लाइन कहते हैं इसको इसको भी हम थोड़ा सा ग्रीन ब्लेंड कर सकते हैं. इसको हम थोड़ा सा ब्राउन ब्लेंड कर सकते हैं, मरून ब्लेंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ये डिस्कशन हम करते हैं उस मीटिंग में जो ब्राइड हमें मिलने आती है. ठीक है. अच्छा, इसको थोड़ा सा अपनी ना मेकअप आर्टिस्ट को कीजिएगा. यू हैव ओनली 7 मिनट्स टू फिनिश, कंप्लीट करना है. तो आपने उसको उसी स्पीड से लेके चलना है. आप 7 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे. ये जो मेकअप का डिसीजन है ना फरा के क्या होगा और मुझे कैसा मेकअप चाहिए ये हम मीटिंग में डिसाइड करते हैं. ठीक. सो वी कॉल द ब्राइड बिफोर द वेडिंग डे. ठीक. और फिर हम उनके हेयर स्टाइलिंग करते हैं, जोड़ा देखते हैं, ज्वेलरी देखते हैं. कभी ज्वेलरी में चेंजेस भी हो जाते हैं. ज्वेलरी की डिस्कशन कुछ हमारी उनसे पहले भी हुई हुई होती है. सो नॉर्मली वो दे आर ऑन द राइट ट्रैक बट कुछ मोतियों का चेंज, कुछ प्लेसमेंट का चेंज हो सकता है कि कुछ चीज ओवर हो गई है, कुछ कम हो गई है, वो हम मीटिंग में डिसाइड करते हैं. और मेकअप की लुक हम मीटिंग में डिसाइड करते हैं बिकॉज वी हैव टू सी व्हाट शी वांट्स. देखो सर, बहुत खूबसूरत सा एक कॉपर शेड है ये जो गोल्डन, ये जो गोल्ड कॉपर मिक्स है. हाँ. और ये हमने इनको दिया है और इसको बड़े आराम से हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं विद द सॉकेट लाइन. ठीक है. ब्राइड की अपनी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो क्या चाहती है हम वो सुनना चाहते हैं. ठीक. क्योंकि आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे 10-12 है हमारे पास मॉडल्स और सब फर्क लग रहे हैं. हाँ. सो उसमें शी कुछ लोग मुझे कहते हैं जी आपने बहुत डार्क मेकअप कर दिया. मैंने कहा दैट वाज द चॉइस ऑफ द ब्राइड एंड हम उनको डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि हैवी मत जाए. ठीक. और ज्यादा मेकअप में हैवी मत लें बिकॉज आपने इतने हैवी ड्रेसेस लिए हुए, ज्वेलरी भी आपकी हैवी है. अच्छा समरा बिकॉज देखो ब्राइड का जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या चाहती है, वो क्या उसने पहनना है. बिकॉज जब मेरे पास ज्वेलरी पहले डिसाइड होनी चाहिए या पहले ड्रेस डिसाइड होना चाहिए. मेरा ख्याल है पहले ड्रेस डिसाइड होना चाहिए बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली फिर लड़कियां अपना ड्रेस लेके आती हैं और फिर उसके हिसाब से हम ज्वेलरी डिसाइड करते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली उसके अंदर जो कलर्स हैं, जो उसको कलर्स चाहिए, उसको क्या डिफरेंट चाहिए, वो फिर हम उसके ड्रेस के हिसाब से डिसाइड करते हैं. और ये लड़की की चॉइस होनी चाहिए बिकॉज यू सी शी हैज़ अ राइट. और बड़ा उस वक्त बड़ा मज़ा आता है फरा, अम्मा कुछ कहती है, बेटी कुछ कहती है और एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है. बट एक और हमारा हम ये भी कहते हैं कि इफ़ यू कैन ब्रिंग योर ओल्ड ज्वेलरी वी कैन री इन्वेंट द ओल्ड ज्वेलरी बाई क्रिएटिंग इन टू अ न्यू ज्वेलरी. अम्मी की ज्वेलरी का बिल्कुल सीरियसली हिफ्सा आई एम आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ दिस. बड़ी पर्टिकुलर होती है जैसे मेरी अम्मा है, वो अपनी ज्वेलरी अपने बहू के अलावा किसी और को देने के लिए तैयार. चले शुक्र किसी को तो मिले. उनका ख्याल है कि बहू को देनी चाहिए बेटी को. उसको हमें खेलने में भी उसके साथ बड़ा मजा आता है बिकॉज वो एक बहुत ही खूबसूरत लुक आती है. इट इज वेरी क्लासी, वेरी यूनिक येट वेरी ट्रेंडी होता है और उसमें हमें भी बहुत इंजॉय करते हैं, ब्राइड को भी बहुत मजा आता है. और फिर वो एक फीलिंग ही फर्क होती है. यू आर वेयरिंग योर मदर थिंग, इसकी एसोसिएशन बहुत अच्छी होती है आपके साथ. तो अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये लुक एक्सप्लेन करती हूँ. हम इनको लाइटर वर्जन कर रहे हैं ब्राइडल का. वी आर नॉट पुटिंग ग्लिटर ऑन हर. सो इसलिए हम इनकी लैशेस थिक कर रहे हैं और इनका लिप कलर हम लाइट कर देंगे. सो थिकर लैशेस, लाइटर आईज एंड लाइट लिप कलर. अच्छा, लैशेज में भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि लैशेज की चॉइस जो है आजकल जी बड़ी मुश्किल है. बड़ी मुश्किल है, बहुत डिफरेंट किस्म की लैशेज आ गई हैं. 3D लैशेज तो हैं ही, आपको पता है. बट ब्राइड की आई पे कौन सी लैश शूट करती है ये इतना इंपॉर्टेंट है फरा, ये हम अपने डेमो में रख के देखते हैं. क्योंकि इतनी खूबसूरत लैश सिलेक्शन. हाँ जी, अगर आपने गलत लैश लगा दी ना यू किल हर लुक. बिकॉज या उसकी आँख नहीं खुल रही, या उसकी आंख ज्यादा बंद कर दिया आपने, या उसकी आंख के गिर्द आपने इतना फ्लेयर दे दिया एट द कॉर्नर ऑफ हर आईज कि वो बिल्कुल बेचारी लग रहा है जैसे कि कोई फड़फड़ाती हुई चिड़िया है. सो यू कांट डू दिस टू हर.
आई लैश सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वी डू इट वेन दे कम ऑन द ब्राइडल डेमो डे. ठीक है, ये कौन सी लैश लगाई? ये जी हमने हुदा की ही एक हम नंबर यूज कर रहे हैं. और कुछ कौन सा नंबर है ये? इसका जो आप मुझसे अगर नंबर पूछ रही हैं तो ये जेड की क्वांटिटी, उसके नाम भी है नंबर भी है. ठीक है, तो ये उस तरह जा रहा है जिसकी हमने यूज की है. ठीक है, और आपको मैं दिखाऊंगी ब्राइड्स पे जोश की भी हमने ये वाली जो लगाई है ना, इसका नंबर तो जल्दी से जरूर बता दो. जी जरूर, हम आपको बताते हैं अभी आप ताकि जो लोग देख रहे हैं जी बिल्कुल देखिए नोटेड डाउन के. अच्छा, अगर उनको लगाना लगे तो आपको मैं लैशेस के बार बार हम आपको सारी लैशेस बता देते हैं. लैशेस की सिलेक्शन इज श्योरली वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब हमारी जो लैश की ही जो कलेक्शन होती है ना फरा, उसमें तकरीबन 40 लैशेज होती हैं. अच्छा, क्योंकि हर आंख पे हर लैश नहीं आ सकती. जैसे अगर आप थोड़ा सा मुड़ के देखें तो हर लड़की की आंख पे आपको एक फर्क चीज नजर आ रही है. बिकॉज इफ यू सी दिस ब्राइड, इनका राउंड आया है. अगर आप इनको ये वाली लैश लगाएंगे तो इनकी आंख टोटली क्लोज हो जाएगी. ठीक, इनकी अगर आप आंख देखेंगे तो राउंड एंड फार अपार्ट. ठीक, सो इनकी लैश का जो फ्लेयर है हैज़ टू कम ऑन द एंड्स. हमारी जो नेक्स्ट ब्राइड है उनको हमने थ्रू आउट फ्लेयर दिया है बिकॉज इनकी आंख बड़ी है. सो इट कैन कैरी फ्लेयर फ्रॉम वन एंड टू दी अदर. ठीक, अच्छा, अब ये आंख के अकॉर्डिंगली ही लैश लगनी है. अगर आप एक ही लैश को लगाने की कोशिश करेंगे सबको तो डेफिनेटली इट डजंट वर्क. इट डजंट वर्क. हाँ जी, ठीक है. इसका तो नंबर बता दें, ये कौन सी लगाई? जी जी बिल्कुल, आपको दे देते हैं ये नंबर. आप उसका ये एक्चुअली बॉक्सेस पीछे पड़े हैं, मैं अभी आपको लाके दिखा देती हूँ. ये खोल के लाएंगे. ठीक है, सो ये हमने अप्लाई किया एंड देन हल्का सा इसके ऊपर हल्का सा. अच्छा, ये शिमर नहीं है, ये ग्लिमर है. ठीक है, सो व्हाट वी डू इज एक ग्लिटर होगा. आप देखें बहुत सी ब्राइड को ग्लिटर्स लगा हुआ है, बहुत सी ब्राइड को शिमर लगा हुआ है, और कुछ को हम सिर्फ ग्लिमर लगाते हैं विच इज लाइक जस्ट अ शाइन. ठीक, इट इज नॉट वेरी हैवी. ये बस लगता है और बस खत्म. बहुत ज्यादा नहीं है. ये गिरता तो नहीं रहेगा, पता चले ये हर तरफ. नहीं नहीं, जो हमने आई शेड यूज किए हैं वो इस कैपेसिटी के हैं कि वो उसको कैच कर लेते हैं. ठीक है, सो इट विल नॉट फॉल. ठीक है, सो ये आई शेड ने इसको पकड़ लेना है और उसने लैश पे नहीं और इसने एक अच्छा सा ग्लोई सा एक इफेक्ट उसकी आंख के ऊपर आ गया. क्योंकि जो ग्लिटर्स होते हैं ना फरा, वो ज्यादा ग्लैम होते हैं, उसके बाद शिमर्स आ जाती है तो उससे छोटे होते हैं. ग्लिमर्स होते हैं जो सबसे एंटर. बिल्कुल. अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? हम आपको जो कोरल लिप कलर करके दिखाने लगे हैं. ठीक है, बिकॉज अगर मैं इनको मरून लगाऊंगी तो मौसम की मुनासिबत से जरा ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, सो इफ यू सी कि हम अक्टूबर में हैं और अक्टूबर के सीजन को हमने केटर करना है. ठीक, तो उसके लिए मैं आपको कोरल कलर ही करके दूंगी. ठीक है, अच्छा, लिपस्टिक में भी वी आर वेरी केयरफुल कि जो ब्राइड की लिपस्टिक है इट शुड ऑल्सो हैव अ स्टे ऑफ फॉर एटलीस्ट 8 to 10 hours. उसका क्या टिप है? उसका टिप है कि जी आपने लिपस्टिक को पहले लगाना है, उसके बाद उसको आपने या फिंगर यूज कर लें या स्पंज एप्लीकेटर यूज कर लें, उससे उसको आप ब्लेंड करें लिपस्टिक. ठीक है, लिप्स के अंदर उसको अंदर ले जाएं, उसके बाद फिर आप सीलर लगा के दोबारा लिपस्टिक का खोलते हैं. अच्छा, ये आपके सामने वो लिप की शेप बना रही है, मैं उतना ही देर स्टे करूंगी जितनी देर ये लिप की शेप आप नोट कर लें. उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से आप आएंगे तो लिप फिल करके ये जो अगला स्टेज बता रही हैं हिफ्सा की, अगर आपने लॉन्गर स्टे के लिए लिपस्टिक अप्लाई करनी है तो उसकी क्या टिप है वो हम आपको ब्रेक के बाद शेयर करेंगे. और फरा, लिप शेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब लड़कियां खुद भी लगा रही हैं या ब्राइड्स खुद भी लगा रही होती हैं तो बतख की तरह का हमने नहीं देना होता लिप शेप, के आप उसको बहुत उठा दें फ्रॉम योर कॉर्नर्स एंड यू मेक लाइक अ, आप उसको ओवरड्रॉ मत करें. ठीक है, ओवरड्रॉ इज वेरी ट्रैकी. ठीक, सो आपके चाहे लिप्स पतले हैं चाहे आपके लिप्स मोटे हैं, यू ट्राई एंड स्टे इन योर ओन लिप शेप बिकॉज दैट्स द बेस्ट लिप शेप, बिकॉज लोगों को आपको उस तरह देखने की आदत होती है. ठीक है, सो बहुत ज्यादा ओवरड्रॉ में ना ब्राइट कंफर्टेबल होती है और ना ही देखने वालों को वो उसकी अपनी शक्ल लग रही होती है. ओवरड्रॉ इज अ नो गो. नो. ओके, सो ये आपके सामने लिप कलर अप्लाई हो रहा है. टाइम फॉर ब्रेक. ब्रेक के बाद जब आएंगे तो साफ रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ज्यादा देर अगर आपने लिपस्टिक को स्टे करवाना है कि आप लिपस्टिक को लगाइए, आप ही भी रहे हैं. हाँ जी, उसको हाथ से ब्लेंड कर लीजिए फर्स्ट कोट को, फिर आप सीरम लगा के दोबारा लिपस्टिक लगाएं. ठीक है, लेकिन ये आपके सामने होगा. हाँ, जनाब, सो हमारी बिरिश तो बहुत खूबसूरत सा तैयार भी हो गई और हिफ्सा का है स्टनिंग. सिर्फ लिपस्टिक हमने की? हाँ जी, लिपस्टिक की और मैंने आपको कहा था मैं आपको लाइट और डार्क दोनों दिखाऊंगी. हाँ, क्योंकि इफ द कैमरा कैन कम क्लोजर एंड दे कैन सी इट्स अ लाइट लिप कलर. मेरी प्रेफरेंस, अगर ये ब्राइड मुझसे पूछेगी कि मैं क्या लिप कलर लूँ तो आई विल गिव हर दिस बिकॉज जोड़े में बहुत ज्यादा मैरून है, जोड़ा बहुत ओवर पावरिंग है, बहुत ज्यादा है. So she should look like a doll. अच्छा, इसका बताएं कि जो आपने हाईलाइट किया और उसके साथ जो ब्लश रंग लगाई, ये ब्लश रंग डिफरेंट लगा हुआ है जी. कुछ इस तरह है फरा कि अब बहुत ज्यादा कंटोरिंग नहीं की जाती. ठीक,
अनलेस की ब्राइड का चेहरा बहुत हैवी हो, ठीक है, सो वी रादर हैव हर फेस लुक नॉट सो कंट्रोल, ठीक, क्योंकि इनका फेस अप्रोप्रिएट है. She's not a big face. मुझे फिर भी मुझे ना बताइए कि जो आपने लगाया ब्लश और इसका क्या ब्रश बताइएगा मैडम, हाँ ताकि हमें एक तरीका बता सके कि हाउ टू अप्लाई इसका जो है ना. आपने इनको कहना जी स्माइल करें, स्माइल करें और आपने यहाँ दे, ठीक है, राइट. हम क्या करते हैं कि हम पूरी लाइन खींचते हैं, ठीक है. सो इफ यू सी के पीछे इतना ज्यादा नहीं है और यहाँ पे मुझे लगता है कलर फर्क है, मुझे कंट्रोल देंगे, ठीक है. आपने आगे चीक पे देखे मुझे कंट्रोल पैलेट दे दें, ठीक है. चीक पे हमने ब्रशेस देखे ना फरा, ये देखे जैसे कंटोरिंग कलर्स हैं, इनको मैंने हाई कंटोरिंग कलर नहीं देना, सो आई विल ओनली सिलेक्ट अ लाइटर कलर एंड देन आई विल से कि आप ओ बनाए एंड देन आई जस्ट गो दिस, ठीक, एक लाइन और आप मुझे ये दें और उसके दे दीजिए और उसके बाद हम इसको हाईलाइट कर देंगे यहाँ, ठीक है. वी आर नॉट ड्रॉइंग वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन्स, ठीक है. पहले क्या करते थे कि पूरा कंट्रोल खींचा फिर ब्लशर दोबारा उसके ऊपर फिर उसके ऊपर हाईलाइटर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता. तो ये तरीका है जिसके साथ आप अपनी हाईलाइट्स और चीक्स और हर चीज को बहुत अच्छे मेंटेन कर सकते हैं. अच्छा, आंखें बंद करना विनेश, आईज के ऊपर आपने लाइनर भी नहीं दिया. बिल्कुल नहीं दिया जी, उसकी भी मैं आपको वजह बता देती हूँ. अगेन ये कॉन्सेप्ट है समर ब्राइड का. अगर ये विंटर ब्राइड होंगी तो मैं इनको मरून लिपस्टिक भी लगाने को तैयार हूँ और लाइनर देने को. और मुझे कहते हैं कि लैश की लाइन को छुपाएं और वो करें उस तरह की, वो हमने कर दिया, वो हमने किया, बट दैट्स नॉट विजिबल, ठीक है. वो आपको नजर भी नहीं आएगा बिकॉज हमने स्किन का और लैश के डिस्टेंस को खत्म करना है, ठीक है. सो दैट वी डिड, बट लाइनर नहीं मैं इनको दूंगी, बिल्कुल सही, बिकॉज लाइनर देंगे तो हैवी हो जाएगा. सो ब्यूटीफुल मेकअप विनेश का. विनेश आओ ब्रांड पे और उजैर जोड़ा कमाल और उसके साथ आइए सवरा. क्या खूबसूरत आपने ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन किया है कि शी इज लुकिंग स्टनिंग. क्या ख्याल है, क्या हाल है तलबिया, नरेजा, आमना, कैसे कहाँ हो तुम लोग, खूबसूरत लग रही है. सो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक अपनी हमारी ब्राइड के ऊपर विनेश, जो कि आज संसारा का जोड़ा पहने हुए हैं, उन्होंने महफूज की ज्वेलरी पहनी हुई है और उनका मेकअप हिफ्सा खान ने किया. इसमें परा ब्राइड्स को एक बहुत ज़रूरी बात है बताने के लिए कि द नेक लाइन इज़ गॉर्जस. सो प्लीज़ जब आप लोग अपने ड्रेसेस की नेक लाइन्स लेते हैं तो उस पर ज़रूर काम करवाइए, लाइक अ कट वर्क. उज़ैर इसको आप लोग क्या कहते हैं, द वर्क दैट यू हैव डन, स्कैल्पिंग, या सो द स्कैल्पिंग एड्स वे मोर ग्लैमर टू अ ब्राइड देन अ नॉर्मल प्लेन, ठीक है. चलो जी म्यूजिक थोड़ा सा एंड विनेश को हम रैंप पे देखेंगे एंड वी विल एंजॉय और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ब्राइड की तरफ आएंगे. अच्छा डिस्प्ले कर रही हो ना बिनिश की, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि हम वो देखना रुके. द वे यू आर मूविंग, डिस्प्लेइंग, एंजॉयिंग, और मुझे ड्रेस लुक इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी शी इज कैरिंग इट सो वेल. और इतनी गर्मी में भी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है उज़ैर, मुझे लग रहा है कि ड्रेस इतना अच्छा बैलेंस है कि उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा उसको कैरी करने में और उसको बहुत मजा आ रहा है. बहुत हैवी लग रहा है, ठीक है. बबी ऑलवेज टेल देम कि आप एक दफा पहनोगे तो इट्स वेरी इजी टू वेयर, फिटिंग बहुत अच्छी. अच्छा देन मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहुत कैनकन और बहुत उसका वो पूफी सी लुक है ना. मीनेश ने जब से पहना ये डांस ही कर रही है, तो मेरे बाबा कहना पड़ा बैठ जाए मेकअप पर. शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ. मीनेश इसमें कैनकन है, हमारा बेसिकली अगेन सेम स्टैंडर्ड फ्रॉम डे वन. हम लोग टू लेयर्स ऑफ कैन कैन अपने हर ड्रेस में लगाते हैं, तो उसे हमें लगता है कि परफेक्ट अमाउंट ऑफ फ्लेयर भी आ जाता है, बैलेंस भी. सो इज बोथ आर लाइक स्टिच फ्रॉम हियर. नहीं, हम लोग बेसिकली जो मेन काम होता है हमारे ब्राइडल्स के ऊपर वो मेनली बॉटम पे होता है, तो हम लोग जो अपनी कैन कैन लगाते हैं हम मिडल में लगाते हैं और बॉटम. So there's nothing here, ये नीचे और नीचे जा रहा है, इसीलिए मिडिल एंड एक लुक आ रही है वो बड़ी एक. अक्सर जो कैन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हमें समझ आता है कि हम क्या करें कि ब्राइट जो है वो कुछ फुट ज्यादा मोटी हो गई है. सो दैट्स अ चैलेंज फॉर अस ऑल्सो. कुछ फुट ज्यादा मोटी हो गई है, बिल्कुल सही. अच्छा अब नेक्स्ट हमारी जो ब्राइड है विनेश, आइए आप तैयार हैं. अब चलेंगे वलीमा के लुक के ऊपर, इसलिए कि सेकंड डे की लुक जो है इज इक्वली इम्पोर्टेंट. आइएगा हमारी अगेन एक बहुत खूबसूरत मॉडल जिनका हम मेकअप जो है वलीमा का आपको बताने वाले. जी 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 आइए. सो वलीमा का ड्रेस भी खूबसूरत ड्रेस है ये, पहले तो आप यहाँ पर आए. आइए देखो कितना खूबसूरत ड्रेस जो है वो वलीमा के लिए इन्होंने किया हुआ है. उज़ैर ये ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, क्या ख्याल है हिफ्सा? जनाब वाला ये हमारे बड़े सिग्नेचर ड्रेसेस हैं. एक आप लोगों की बड़ी पॉपुलर सनिया शमशाद हैं, आपकी एक्ट्रेस हैं टीवी पे, उन्होंने ये वलीमे की सिलेक्शन की थी उज़ैर से. फिर मैंने कहा जी आज हमने भी यही पहनाना बिकॉज वो बड़ा पॉपुलर हो गया ड्रेस. सो वी अगेन ब्रॉट इट ऑन स्टेज टुडे, ठीक है. इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इट्स अ ब्यूटीफुल वलीमा, वेरी स्लीक, वेरी सटल. इसका काम उज़ैर बता सकते हैं बेहतर. उज़ैर क्या क्या कुछ हुआ हुआ है इस पे? बेसिकली इस पे हमने
जो सॉरी इसका कट पहले तो कट तो हमने इसको गाउन स्टाइल के अंदर किया था थोड़ा बहुत ठीक है। उसके बाद जब हम लोग ड्रेसेस बनाते हैं अपने ब्राइडल स्टूडियो के लिए तो उसके ऊपर नेक लाइन एंड व्हाट नॉट, जैसे मोस्ट क्लाइंट आते हैं कहते हैं कि इसकी नेक लाइन थोड़ी हाई है, लेकिन वो हम लोगों ने रखी हुई है सिर्फ अपने शूट के हवाले से, काम के लिए हम लोग ज्यादा एम्फेसिस करते हैं दबका वर्क नक्शी वर्क, और हमें इस पे हुआ हुआ बिल्कुल, और इस पे हमने प्ले डाउन किया हुआ है विद कलर्स, तो इसकी लाइनिंग हमने सिल्वर रखी हुई है और ऊपर जो नेक है उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, सी ग्रीन है, और उसके ऊपर जो थ्रेड वर्क हमने दिए हुए दो शेड्स ऑफ ग्रीन, बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल। आइए ताकि आपका जो है वो मेकअप शुरू किया जा सके। जब तक इनका मेकअप हो रहा है, हमारी बहुत सारी ब्राइड्स हैं थक के बैठी, तलबिया आना, तलबिया कभी कितना खूबसूरत ये ब्राइडल लुक दी है अफसा, तलबिया का ये जो जनाब बिल्कुल ब्राइडल लुक है, और बेशक के हम विंटर सीजन के लिए काम कर रहे हैं, सो फॉर दिस सीजन अगर ये मेरे पास आएंगी इन अक्टूबर नवंबर तो इनका लिप कलर लाइट होगा, ठीक है, और अगर ये जाएंगी दिसंबर में तो फिर हम इनको लगाएंगे मरून इफ शी वांट्स, बिल्कुल जैसे मरून ड्रेस का शेड है, बिल्कुल, बट ये अभी इस सीजन के लिए इस मौसम के लिए तो हमने लिप कलर लाइट ही रखा है। इसको क्या कहेंगे, ये मद्रासी माला है, मद्रासी माला, हाँ, बिल्कुल, और इसको हमने पर्ल्स के साथ किया है, और ये जो बॉल्स हैं ये स्पेशली मद्रासी काम होता है ये इसको के, हाँ बिल्कुल, अच्छा। ये कहलाता है, और इसमें ये देखें कि ये एक फैलाव वाला है, ये इससे बड़ी रिचर लुक आ रही है, बड़ी फुलर लुक आ रही है, ये हमारी फेदर कलेक्शन में से है बिकॉज इट गिव्स अ रियली वेरी फुल लुक, और उसके साथ हमने पर्ल्स के साथ फिर इस पे भी डायमंड पोलकी भी है और मीना भी है, और ये जो मद्रासी काम है जो इसका ये बहुत ही खूबसूरत है, और छोटा सा उसके साथ जी बिल्कुल साथ झूमर दिया हुआ है, साथ झूमर दिया साथ एक मुकम्मल लुक है, और फ्लैट लुक्स आर इन फरा, फ्लैट लुक्स पसंद की जाती है, नो बैक कॉम है जी जी हैवी, और उससे बड़ी स्लीक लुक भी आती है, सो नॉर्मल अगर आपका फेस कैरी कर सके जो कि हमारी मॉडल का फेस कैरी कर सक रहा है, सो वी सजेस्ट कि आप नॉर्मली भी सजेस्ट कि आप फ्लैट लुक लें बिकॉज इससे बहुत ट्रेडिशनल एंड बड़ी, तो जिनका ना, जो ना कर सके कैरी और जो ना कैरी कर सके फिर आप उनके देखें हमने कितने सारे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाए, और मुझे लगता है फ्लैट लुक पे ना आपकी ज्वेलरी भी ज्यादा एनहांस होती है, ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, स्पेशली आपकी हेयर की और बाकी सारी ज्वेलरी वो ज्यादा आपको स्टैंड आउट करती है, उनका फेस शेप ऐसा है कि वो फ्लैट लुक कर सकते हैं हम, क्योंकि हम उनको डेमोज में करके दिखाते हैं क्योंकि लड़कियां फ्लैट लुक से घबराती हैं। अच्छा आगे आना तलबिया, और समसारा का ड्रेस उजैर, अगेन खूबसूरत ड्रेस, मरून कलर का गाउन है और उसके साथ दुपट्टा जो है ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमने प्रिंटेड दुपट्टा जिसको हमने आगे फर्दर एम्बेलिश किया हुआ, ठीक है, सो बहुत हैवी वाला ड्रेस नहीं है कि बहुत हैवी काम हुआ हुआ है, बट स्टिल एक डिफरेंट लुक के साथ अगर आप सर्दियों में सोच रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान, तो दिस कैन बी वेरी गुड, एंड इट हैज ऑल द कलर्स, में कोरल भी है, मरून भी है, इसमें कुछ ब्लैक हिंट्स भी हैं, सो इट्स अ वेरी नाइस डीप विंटर, थैंक यू तलबिया, शुक्रिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ब्राइडल जो वलीमा का मेकअप है उसमें क्या डिफरेंट करें जनाब, इसमें ये डिफरेंट है कि जो बेस का कलर है आप स्टार्ट कर लें, आ जाइए, और अगेन 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में आपने कम्प्लीट करना है, हेयर क्लिप्स दे दीजिए प्लीज, ठीक हेयर क्लिप्स कर दीजिए, फर्क बेस का फर्क ये होता है कि कलर ही फर्क होता है, सो फॉर वलीमा द बेस इज मोर पोर्सलिन, इसका कलर थोड़ा सा जाता है ब्राइटर फेयरर होता है, जो बारात की बेस है वो हल्की सी पिंक होती है, बट दैट ऑल्सो अगेन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ब्राइड, बट हमें बहुत सी ब्राइड्स 3 दिनों के लिए आ रही होती है, सो वी चेंज द कलर ऑफ द बेस ऑन ऑल द 3 डेज, सो फ्रॉम वेरी ट्रांसपेरेंट टू ऑन मेहंदी, इसमें बहुत फोकस रहना है कैमरा ने प्लीज, ताकि जो लोग घर पे देख रहे हैं उन्हें मेकअप का स्टाइल और मेकअप का अंदाज हिस्सा का जो है वो समझ आ सके जो एक्सप्लेन कर रही है। अब आप देखेंगे जैसे हमने आई मेकअप भी डिफरेंट स्टार्ट किया फ्रॉम हाउ वी स्टार्टेड ऑन द बारात, बारात में हमने लिया था पहले वी गॉट द हाईलाइटिंग एरिया और इनर कॉर्नर को हम एड्रेस कर रहे थे, अभी हमने पूरी लिड को एड्रेस किया, क्योंकि इनका मेकअप जाना है ग्रीन एंड सिल्वर की रेंज में, ठीक है, सो उसमें हमने उनको पूरा सिल्वर टोन दे दिया है ऑन द आईलेट, ठीक है, और इससे पहले हमने इसको बहुत अच्छी तरह आई को प्राइम किया हुआ है, फरा आई प्राइमर्स के बगैर मेकअप मत कीजिए, आई प्राइमर्स के बगैर अगर आप मेकअप करेंगे तो वो स्टे नहीं करता, सो इफ़ यू यूज़ अ गुड आई प्राइमर ऑफ एनी कंपनी और आप उसको लगा के जब मेकअप, वो पूछे ना जी ब्राइडल मेकअप या हमारा पार्टी मेकअप इतना स्टे क्यों करता है, उसके नीचे प्राइमिंग हुई है, यूज अ प्रॉपर आई प्राइमर एंड देन आप मेकअप करेंगे तो उसकी क्रीजिंग भी नहीं होगी, उसका स्टे भी लॉन्ग होगा, ठीक, तो आप ये देखें इसका स्टार्ट ही डिफरेंट है, हमने उस मेकअप में सॉकेट किया था एंड हमने ग्रोबोन को करके इनर कॉर्नर की थी, लेकिन यहाँ हमने पूरी लिड को एडजस्ट करके सिल्वर कर दिया बिकॉज हम सिल्वर के टोन में जा रहे हैं, इधर भी हम सॉकेट देंगे इनको, बट ये भी सॉकेट बहुत ही लाइट वर्जन आएगा बिकॉज हमने वलीमे के लुक है और सॉफ्ट ही रखना है, सॉकेट कीजिएगा, ठीक है, और इनकी बेस अभी हम फाइनल करेंगे जो कि नहीं हुई भी, और अब आप सॉकेट इज अ वेरी सॉफ्ट ब्राउन,
और चूंकि ऑब्वियसली हम कैमरा के लिए कर रहे हैं और जल्दी करना चाह रहे हैं, तो हम आपको क्विक लुक्स दिखा रहे हैं, ठीक है, जो कि इसको कैरी करें। तो इस सॉकेट के ऊपर एक इस तरह से ब्राउन जी, और फिर इनके साथ हम इनको ग्रीन ग्लिटर करके और कंप्लीट करेंगे, बिकॉज हल्का सा ग्रीन का टिंज आ रहा है। और इसमें फरा नॉर्मली ऑल्सो इन दिस काइंड ऑफ लुक, व्हाट आई सजेस्ट टू ब्राइड्स इज कि अगर आप नहीं पहन रहे हैं स्लीव्स या आपका डीप कट आप पहन रहे हैं, ऑब्वियसली दुपट्टे से कवर हो जाएगा, तो आप जो नेक का पीस है वो बिल्कुल आप लें जो कि गले के साथ, जैसे आपने यहाँ पे दिया है ना डायमंड के साथ, ये दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स फरा, मेरे पास इस तरह का एक वो तो है इयररिंग्स का सेट, लेकिन नेकलेस नहीं है। अच्छा, ब्यूटीफुल, अगर डायमंड कट और उन सारी चीजों के साथ, बिकॉज ये पता है वलीमे के थीम के हिसाब से बहुत जा रहे हैं, यस, बिकॉज वलीमे में सब लोग थोड़ा लाइट चाहते हैं और थोड़ा डिफरेंट कलर चाहते हैं, एग्जैक्टली, बट इसके अंदर डायमंड के साथ हमने सैफायर दी है, विच इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज डायमंड का इतना बड़ा हार करना कॉस्टली भी हो जाता है और सब कुछ हो जाता है, और ये जो है ये सैफायर भी, इट इज ऑल्सो एग्जैक्टली वरना, और इसके सैफायर के एक जैसे साइजेस के स्टोन मिलना, इट्स रियली वेरी हार्ड एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 months टू कम्प्लीट दिस सेट, बिकॉज यू सी फर्स्ट वी ग्रैब ऑल दीज स्टोन जो कि एक साइज के हों, अगर आप क्लोजअप करें, ये तो हमने कभी सोचा नहीं कि ये भी मुश्किल होता है। नहीं, बहुत मुश्किल होता है हिफ्सा, और तुम्हें पता है कि 8 से 10 लोग इसके अंदर काम करते हैं, और ये प्योरली हैंडमेड होता है, और 2 months में ये जाके कंप्लीट होता है। और पहले मैं थोड़ा आपको प्रोसेस बता दूं कि पहले हम स्टोन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टोन सिलेक्ट करने के बाद हमारा स्केच बनता है, फिर उसके बाद वो हमारे कैट से निकलता है, फिर उसके बाद उसका मोल्ड बनता है, और उस मोल्ड पे फिर ये गोल्ड से कास्ट होता है, फिर होती है और सब कुछ होता है, और फाइनल रिजल्ट फिर ये फरा आता है। बिल्कुल, और इसके इसमें आप डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई विल ऑलवेज सजेस्ट के वलीमे पे ना थोड़े डिफरेंट कलर्स करो, थोड़े लाइटर कलर्स, बिकॉज वो थोड़ी सी आपकी लुक बिल्कुल टोटल चेंज हो जाएगी। अब आप इसमें देखो कि इसमें टीका भी बिल्कुल छोटा सा टीका है, डेलिकेट सा है, डेलिकेसी है, और वो इस एक मॉडर्न उसमें टच है, ग्रीन दे रही है शेड नीचे। ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रही हूँ वेरिएशन, इफ एनीबॉडी वांट्स, इफ द ब्राइड डिजायर्स, तो हम उनके ड्रेस का इनहेंस ग्रीन में कर सकते हैं, ठीक है, और अगर वो नहीं चाहेंगी तो वी कैन लीव इट ब्लैंक, बट वी आर आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो डिफरेंट वेरिएशंस, तरह के मेकअप बहुत डिफरेंट तरह से हो सकता है, ठीक है। अगर कभी ब्राइड ये देख ले कि वो कितनी लुक्स में आ सकती है, हाँ, तो उसको तो फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने एक्चुअली ऑन द डे क्या मेकअप कराना है, ठीक है, तो एक दिन पहले आकर जरूर उन्हें ट्राई लेनी चाहिए, मेकअप वी डू इट अ मंथ बिफोर, ठीक, हमें 1 महीना पहले डिसाइड कर रहे हैं, सो दैट शी नोज एग्जैक्टली, 1 महीना पहले ड्रेस भी रेडी होना चाहिए, ज्वेलरी भी रेडी होनी चाहिए, मिनिमम वी नीड 2 months फॉर देम टू डिसाइड द ज्वेलरी, बिकॉज इट्स प्योर हैंडमेड ज्वेलरी, हमारी क्राफ्टमैनशिप होती है। जाहिर है, ड्रेस के लिए कब आ जाना चाहिए आपके पास उज़ैर, अगर वेल डिपेंड करता है किसी भी, हम लोग अपने क्लाइंट्स को रेगुलरली कहते हैं कि 4 months का टाइम दे, लेकिन जितना आप जल्दी कर सको उतना आपके लिए बेहतर, लाइक यू सेड कि अगर ड्रेस आपके पास 1 महीना पहले हाथ में आ जाए तो आपके सर से स्ट्रेस उतर जाती है। बिल्कुल सही, और पता है आप हर चीज प्लान कर लेते हो ना उसके अकॉर्डिंगली, आप अपनी ज्वेलरी भी प्लान कर लेते हो, फिर उसके बाद अपनी मेकअप लुक आ जाती है। ऐसा भी हो रहा है समरा कि हमारे पास ब्राइड आती है, बस अभी शादी प्लान होगी, ऐसा अभी कैसे होगी, 2 हफ्ते में शादी, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं उसके लिए जो भी अवेलेबल है ना, जो अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत कॉमन है ये, बहुत कॉमन बेसिकली विंटर्स में, जो मेरी थी ये बड़ी लक की बात होती है, चटमंगनी पट ब्याह उसके लिए, फिर उनको जो अवेलेबल होता है उसी में सही उनको। अच्छा, चूंकि आप थोड़ा टाइम लग रहा है मेकअप में, तो मुझे ना अभी ऐसे करते हैं कि हम अपनी बाकी कुछ जो लुक्स हैं, आमना आना, आमना भी अगेन बहुत खूबसूरत ड्रेस पहने हुए हैं समसारा का, जिसमें कि एक अच्छा, इसको कट को एक्सप्लेन कीजिएगा उज़ैर, क्या क्या कुछ इन्होंने पहना है। ये हमने पेशवा स्टाइल के अंदर किया हुआ है, एक लॉन्ग का, ये कितना चल रही है पेशवाज या लॉन्ग, ये देखा है, अब जिस तरह एवरी ब्राइड, हर ब्राइड जो आती है उसकी 2 कंसर्न होती है, उसे होता है कि किसी तरह मैं और पतली लगूं और किसी तरह मैं और लंबी लगूं, ठीक है, तो हमने अपने कट्स उस हिसाब से बनाए हुए हैं कि जिसके अंदर दोनों आप पतले भी लगो और लंबे भी लगो, ठीक है, तो जो आपके पेशवा स्टाइल होते हैं, लॉन्ग शर्ट स्टाइल होते हैं, क्योंकि उसमें फॉल ज्यादा होती है, फ्लो ज्यादा होती है, उसके अंदर आप स्लीकर लगते हो, उसके अंदर आप टॉलर लगते हो, बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो ये रेड का कॉम्बिनेशन साथ ग्रीन, गोल्ड ग्रीन एंड देन रेड नीचे, ये लहंगा है या क्या है, ये लहंगा है नीचे, बिल्कुल ठीक है, और उसके साथ डबल दुपट्टे के साथ हिफ्सा ने सेट किया हुआ है,
एंड ज्वेलरी भी बहुत इसको क्या कहेंगे इस वाली इसको ये जो है ये हमारे आप देखें ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में हमारी अम्मियों की क्लॉजेट में ये हमेशा एक पीसेस होता था तीन लड़ा जिसे कहते हैं आजकल इसका बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड हुआ है अच्छा। इस तीन लड़े का एक बेसिकली लोग अपने पुराने ला के उसको भी नई लड़ियों के साथ परो के कर बिल्कुल उसके साथ यू कैन मेक अ न्यू कॉलर विद दैट एंड वी कैन मैच दैट तीन लड़ा विद द न्यू कॉलर वो एक आपकी और बड़ी अच्छी फुलर लुक आ जाती है और इसके साथ ये एक इसकी बड़ी ट्रेडिशनल लुक भी होती है और इसमें हमने एमरल्ड्स यूज़ किए हैं रूबीज यूज़ किए हैं और ये वाइट लेकर का काम भी है आपको नज़र आ रहा होगा ये वाइट लेकर का काम है और इससे एक ब्राइट की कम्प्लीट लुक आ जाती है फिर वही के कम्प्लीट आपका तीन लड़ा हो आपका कॉलर हो और आपके इसमें झूमर भी है और टीका भी है उससे एक वो कम्प्लीट लुक आपने आमना को दिया है थोड़ा सा ग्लिटर आंखों पे हाँ जी इनको हम रेड लिपस्टिक हाँ जी रेड लिपस्टिक भी दी है बिकॉज ऑब्वियसली हम रेड को टोटली निगेट नहीं कर सकते चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो देयर आर ब्राइड्स हु वांट रेड रेड सो वी हैड टू शो यू सम रेड्स आल्सो ठीक है एंड हर रेड इज अबाउट अ कोरल रेड इट्स नॉट लाइक अ मरून इट्स नॉट इवन अ रेड इट्स नॉट इट्स अ कोरल रेड सो इनके लिपस्टिक में कोरल का टच आ रहा है ठीक सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ऑरेंज बोथ बिल्कुल सही और ये जरा हैवी लुक है इनकी इट्स अ हैवियर लुक देन अ नॉर्मल ठीक है ये अगर आप कहें तो ये फुल ब्लोन हैवी लुक के साथ हमने इनको अच्छा आमना अभी मैं आपसे कहूंगी कि आप डिस्प्ले करना ब्रेक पे जाना होगा हमने लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेन कर दीजिए ये आंखों के ऊपर मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनको हमने जी अब ग्लिटर लगा दिया ठीक और इनको अब लाइनर भी दे रहे हैं हम ग्लिटर आप देखिए कपड़ों के साथ करके सिल्वर ग्रे दिया ठीक है जैसे सिल्वर ग्रे ग्रीनिश काइंड ये उस कलर्स में है ये ग्लिटर बिकॉज हमने इसकी स्पार्क देनी है एक्चुअली योर आईज शुड बी लाइक अ पीस ऑफ योर ड्रेस ठीक है ऑन योर आईज ठीक सो दोनों जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना एक दूसरे को तो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो जाती है ठीक है अब इसके ऊपर लैशेस हाँ जी हम इन पे लैशेस दे रहे हैं ये एक और ब्रांड है जो कि हमने पिक किया है दिस इज अ डिफरेंट ब्रांड ये कौन सा ब्रांड है फरा ये जो हम ब्रांड्स लाते हैं ना हर एक के ऊपर कोडिंग तो हुई भी होती है नंबर्स की ठीक है दिस इज कॉल्ड लीली गलीची लीली गलीची हाँ जी ये उसका है बिकॉज हमारे हम धूज के भी यूज कर रहे हैं हुदा के भी यूज कर रहे हैं हम लीली गलीची के भी यूज कर रहे हैं ठीक है हम एले लैशेस के भी यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऑब्वियसली वो 40 का हमारे पास नंबर है उसमें तो देर आर लाइक मेनी डिफरेंट ब्रांड्स बिकॉज एक ब्रांड जो है वो नहीं बना सकता ठीक है तो आपने देखा लैशेज अप्लाई करने से पहले उन्हें हल्की सी नीचे एक लाइनर की एक मर्ज सी जो कि ग्लू भी है जो कि ग्लू भी है ठीक है ताकि वो चिपक भी जाए और उसका मैं आपको कही थी ना हमने लगा दिया हाँ सो हमने पहले लगा के उसके ऊपर लैश दे दिए ताकि ये चिपक भी जाए और ये उतरे भी ना और इसको ऊपर से फिर कुछ लाइन लाइन बस खत्म या कुछ करने की जरूरत नहीं है ये डन हो गया अब इनकी लिपस्टिक करें जी लिपस्टिक का कलर का सिलेक्शन क्या होगा हाँ जी लिपस्टिक हम इनको पिंक देने लगे बिकॉज आप अगर ये बारात पे थी तो हम इनको कोरल का भी कोई शेड और रेड का भी शेड दे चुके हैं सो इट्स बेटर दैट वी गो ऑन अ अच्छा इनकी कॉन्टूरिंग भी मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि इनको आपने यहाँ पे नहीं दिया इनको है हमने ज्यादा किया हाँ इनके हमारी मॉडल के दो प्रॉब्लम्स से फरा ठीक है एक तो इनका पिगमेंटेशन लेवल हाई था इसकी वजह से हम इनको कवरेज ज्यादा करनी पड़ी ठीक है और इनका थोड़ा सा चेहरा स्लिम में नहीं आ रहा गोल्ड में तो जब आपका चेहरा गोल्ड में आ रहा है ना तो फिर हमें उसको यहाँ से कंट्रोल देना ही पड़ेगा और यहाँ पे नहीं देना है यहाँ नहीं देना उनका चूंकि स्लिम था तो आई कुड डू दैट टिप ऑफ पुटिंग योर ब्लशर ऑन योर चीक ठीक है जो एक फ्रेश से लुक दे रहा था इनके लिए वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर हम इनको करेंगे तो ये बहुत एक इनको लगेगा जैसे दो गोले रखे बिल्कुल सही तो शी हैड अ स्लिमर फेस यू कुड डू दैट बिल्कुल सो लिपस्टिक अप्लाई की जा रही है आपके सामने लिपस्टिक अप्लाई करने की वही टिप है कि आपने अपने फेस और लिप्स शेप को फॉलो करना है बिल्कुल फैलाना नहीं है बाहर नहीं निकालना और इस केस में तो फरा देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं इनसे इजाजत लेके इनके लिप्स छोटे कर दूँ अच्छा बिकॉज इनका पावर बहुत ज्यादा है ठीक है So maybe at times you are even squeezing the lip shape, not enhancing, but obviously depend karte on the choice. बिल्कुल सही. So let's have a closer look on Amna and Talbiya, जिन्होंने अभी हमारे सामने अपने खूबसूरत ड्रेसेस जो है वो डिस्प्ले किए हैं और ब्रेक पे हम जाएंगे ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको कुछ और बहुत इफेक्टिव टिप्स बताएंगे. शामदीद इकरा का यहाँ पर वलीमा की लुक आपके सामने फाइनल ऑलमोस्ट बाल उनके बन रहे हैं और जब तक बाल बन रहे हैं खूबसूरत सना और आपका नाम क्या है सना एंड समरा आप भी रहेगी ये गिट आ जाइए आइए चारों ब्राइडल हमारी और सामिया खान
us. आइए इतनी सारी दुल्हनों में आ जाओ. So ये हमारी चारों ब्राइड्स, मुझे बताइएगा ज्वेलरी जो पहनी हुई है. जी फरा, ये वाली हमारी क्वीन कलेक्शन में से है. ये डायमंड्स और पर्ल्स की है. बिकॉज यू सी ये आपकी पूरी बलीमा लुक को कवर करती है. नॉर्मली मैं फैन ऑफ बिल्कुल छोटी सी, बट सिंस इनका गला नेकलाइन बहुत बड़ी थी इसलिए हमें थोड़ी फुलर लुक के लिए ये पहनाना पड़ा. ठीक. और इसमें टीयर ड्रॉप्स डायमंड यूज़ किए गए हैं और बेगेट्स का भी काम है और ये एक वलीमा लुक है. ठीक. और ये अगेन ये पोलकी के साथ पर्ल्स और रूबीज के साथ है और ये एक नेचुरल लुक है, मेहंदी की लुक है बेसिकली, ताकि मेहंदी के ऊपर ज़्यादा आप नहीं पहनना चाहते, सिर्फ एक हैंगिंग हो हल्का सा. हाँ. वो आपकी लुक को कम्प्लीट करता है. तो ये उस तरह है बिल्कुल सही. और यहाँ पर ओ माई गॉड, दिस इज अगेन समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक. इफ यू कुड जस्ट डू अ क्लोजअप फॉर मी फॉर दिस सेट प्लीज. ये आप देखें, ये मदर ऑफ पर्ल्स से बना हुआ है और इसमें सॉलिटेयर्स ऐड किए गए हैं. ये देखें, हैंगिंग में सॉलिटेयर्स हैं और मदर ऑफ पर्ल्स की दो शेप्स हैं, एक टीयर ड्रॉप मदर ऑफ पर्ल्स हैं और एक मार्की है. और ये बड़ी मुश्किल से पर्ल्स मिलते हैं ये वाले, बिकॉज यू सी. और फिर उसको हमने बाकायदा मदर ऑफ पर्ल्स को इस शेप में काटा हुआ है, फिर कट करके तो ये वाली ट्रांसफॉर्म किया गया इस सेटिंग के अंदर. जो मिस करने वाली चीज नहीं है कि ये फैशन में भी है काफी. ये फैशन में बड़ी न्यूट्रल लुक है, जो सीप के बनी हुई चीजें हैं, दे आर बैक इन फैशन, दे आर बैक. और इसमें बहुत खूबसूरत चीज, अगर आप मिस नहीं करना चाहती तो मुझे बता रही है ये कि जी मुझे पीछे करके मेरे बालों की सेटिंग, ये बहुत ही खूबसूरत वो है. ये तो ऐसे बाल है ना कि जो हर कोई बनवाना चाहेगा. मैं चाहूंगी कि हम दिखा सके अपने बच्चे के बनते कैसे हैं. हाँ जी बिल्कुल, हम आपको दिखा सकते हैं क्योंकि वी कैन जस्ट डू अ शो ऑन द हेयर स्टाइलिंग. अगर आप बालों को थोड़ा सा देखने दें, हमें थोड़ा डर लग रहा है, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, हम उसको देख सकें कि वो क्या है. इस पे क्या किया है, इसका कैसे बनाए? एक्चुअली जी ये सारे कर्ल होते हैं पहले और फिर इनको हम ट्विस्टेड फॉर्म में ब्रेड कर देते हैं, देन वी टॉप देम अप विद फ्लावर्स. बस नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी, डूएबल है. हम आपको करके भी दिखा सकते हैं किसी दिन. शी रियली वांटेड हेयर टू शो. और इसको हम वेरियस थिकनेसेस में भी कर सकते हैं, इसे ज्यादा लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं. व्हेन द ब्राइड वॉक्स तो ये नजर आ रहे होते हैं बिल्कुल. अक्सर वलीमे की ब्राइड सर पे दुपट्टा नहीं लेती. और फरा इस सेट का एक और मैं बात बता दूं, दिस इज वेरी वेयरेबल. मतलब ये आप बाद में भी किसी डिनर के साथ भी पहन सकती हैं, इसके साथ किसी खातून के लिए ज्वेलरी होनी चाहिए. कैद कोई नहीं, वो कहीं भी पहन सकती है. अच्छा ये ड्रेस बहुत खूबसूरत, उजैर ये वलीमा का ड्रेस जो कि आपने ये गाउन के साथ लेकिन अगेन यू कैन ट्रांसफॉर्म इट टू अ वलीमा. सिर्फ कलर्स की डिफरेंसेस होते हैं. अब हमें हमारी फेवरेट कॉम्बिनेशन है गोल्ड्स एंड रेड्स की. ठीक है. अगर आप इसको वलीमे के अंदर लेके जाना चाहते हो तो फिर आप इसके साथ गोल्ड्स के साथ पीचेस एंड कोरल्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो इट्स जस्ट थोड़े बहुत डिफरेंसेज आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम इसके बीच में से थ्रेड के कलर चेंज कर दें, दुपट्टे का कलर चेंज कर दें, अगेन इट मेक्स यू लुक टॉलर एंड. इसी तरह से ये भी एक वलीमा की लुक का ड्रेस है. ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट. अच्छा. या तो इसके ऊपर जो काम वगैरह आप देखोगे स्पेशली शर्ट के ऊपर, तो हमने सारी टेक्निक्स जो बुक्स के अंदर हमें बताई जाती है ना, हमने सारी टेक्निक्स इसके ऊपर इस्तेमाल की हुई है. वेरी इंट्रिकेटली डिटेल्ड, बहुत खूबसूरत है ये भी. एंड अगेन ये जो रेड है, ये दिस टिपिकल रेड, ये क्या इसमें क्या है, दो टांगों वाला? मेरा ख्याल है ये शरारा हमने बनाया और हमने इसको अगेन एक स्टाइल से बनाया कि आप इसको बारात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और यू कैन ट्रांसफॉर्म इट टू अ मेहंदी बुक. तो नीचे चटापट्टी का काम किया हुआ है उसके ऊपर आगे. ये चटापट्टी का हमने भी इनको मेहंदी बुक पे तैयार किया हुआ है. बालों के ये बालों की भी और आंखों का मेकअप भी ये मेहंदी लुक पे ही हमने इनको तैयार किया हुआ है. बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ रेड, तो कुछ लड़कियां पहन भी लेती हैं, वो शैंडी के कॉन्सेप्ट में भी आ जाता है. ठीक है. सो मेकअप इज फॉर मेहंदी. आई एम लविंग द दुपट्टा, इतना खूबसूरत चटापटी का एंड ऑरेंज एंड रेड के कॉम्बिनेशन के साथ, एक टिपिकल गोटे लपे के साथ. और ये सारा लड़कियां निकाब पे भी पहन लेती हैं. हाँ. कई लड़कियों की रुखसती नहीं होती, सो दे आर इन अ निकाब फॉर्म एंड देन दे डायरेक्टली गो टू वलीमा, तो ये उनके लिए भी है. दे वांट टू स्टे लाइट. बिल्कुल सही. और ये जो एक है ड्रेस, ये भी वलीमे की, एक मुकम्मल भरा हुआ एक परफेक्ट लिबास और उसके साथ बाल जो आप कह रहे थे, जो नहीं स्ट्रेट रखना चाहते, फ्लैट रखना चाहते, उनके लिए उनके लिए बिल्कुल सही. जब तक हमारी वलीमा ब्राइड जो है उसका हेयर स्टाइल अभी हो रहा है, एक थोड़ा सा हम चलाएंगे म्यूजिक ताकि आप इन सब को ब्राइड्स को देख सकें, खूबसूरती इनकी इंजॉय कर सकें. और सामिया खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जिन लोगों ने मुझे डेटा भेजा हुआ है अपना, वो ट्यून रहे क्योंकि अभी कुछ देर में हम आपको जवाब देने लगे हैं आपके सारे सवालों के जो कि आपने फैन पेज पर हमसे पूछे. We'll be right back.
देख लेंगे. एंड सामिया खान वेलकम, आप अपना लैपटॉप खोल लीजिए. वो सब लोग जिन्होंने हमें अपने सवाल जवाब भेजे हुए हैं, अब ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपके तमाम बातों को एड्रेस करेंगे. स्टे विद अस. और हमारी सारी खूबसूरत ब्राइड्स के साथ साथ जिन्होंने ब्राइड बनना है, जिन्होंने हमें सवाल भेजे हैं, शादी कब होगी, किससे होगी, कैसी होगी, चलेगी नहीं चलेगी, उन सब लोगों को टाइम है अब एड्रेस करने का. सामे जी, जी जी, तो पहला सवाल देखिए मैं आपके सामने, अगर अभी तक नहीं भेजा, आप इवन अभी भी भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा और हम उसे शो में शामिल करेंगे. सबसे पहला सवाल है कुलसुम का, जी जी, शादी कब और कैसी रहेगी, नसीब कैसा है, ये सब देख के तो ज्यादा ही फैसिनेशन हो जाएगी. अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1989. कुलसुम आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं. अच्छा, जाना मलिक ना, कुलसुम ने अपना टाइम नहीं भेजा. नहीं, टाइम नहीं भेजा, टाइम ऑफ बर्थ जरूर भेजा कीजिए ताकि एक्यूरेटली आपको जवाब दिया जा सके. अच्छा जी, ये तो है कि इंशाल्लाह लव स्टार्स बहुत अच्छे हैं और सबसे प्यारी चीज़ है कि अल्लाह पाक से जो मांगेगी इसको मिलेगा. और इस वक्त जो है 2020 में इसके मतलब एंड ऑफ दिस ईयर रुकावटें भी सारी जो अब तक थी, हो सकता है कि इस वक्त इनको इन मराहिल से गुजरा, वो जो टी ट्रॉली लगाने वाला मरहला होता है कि चाय की ट्रॉली लगाओ जो है, लेकिन इस वक्त जो है एंड ऑफ दिस ईयर मुकद्दर इंशाल्लाह तेज होने जा रहा है, लेकिन बहुत प्यारा मियां मिलने वाला है. वेरी गुड, क्योंकि लव स्टार्स अच्छे हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप शादी का रिस्क खुशी लीजिए. ठीक है, सुजाना मलिक आपके लिए गुड न्यूज है. एंड देन बख्तावर, उनका भी यही सवाल है, शादी के बारे में बताएं. टाइमिंग सुबह 5 बजे पैदा हुई है, ठीक है, 13/2/1992. अभी पैदा हुए दिन कितने हुए हैं, अभी से शादी की पड़ गई. 13 फरवरी 1992. नहीं नहीं, ठीक है, एज हो गई, ठीक है. अच्छा, 5 बजे सुबह. वो हमें एक्चुअली 90s वाले बच्चे लगने शुरू हो गए ना कि वो याद रहे आराम से. अच्छा जी, इनका नाम क्या था? इनका नाम है माही. अच्छा माही, फेसबुक नेम आपको बता रही हूं. आप यहां से जोड़ा सिलेक्ट कर लें माही. ज्वेलरी वाले भी बैठे हुए हैं, सारा कुछ पैकेज पूरा बैठा हुआ है और हम एक मार्की में बैठे हुए शो कर रहे हैं, तो यहाँ सब पैकेज मौजूद है फरा के पास. बिल्कुल, और किसी भी वक्त, क्योंकि वो जो है ना ऊपर से आवाज आने को है, तो ये इन ये जो आपके पास 5 महीने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यहाँ पे कोई भी चीज अल्लाह के हुक्म से लॉक हो जाएगी और बहुत अच्छी रखें, अच्छी बहुत अच्छी शादी, मतलब टाइम शुरू है 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, क्योंकि मैं तो टाइम फ्रेम बता सकती हूँ, कौन कलमा अल्लाह पाक की जात के पास महफूज है. लेकिन बड़ी प्यारी शादी की इंडिकेशन है, फरा को सिर्फ राब्ता कीजिए, सब कुछ ही मिल जाएगा, जोड़े से लेके मेकअप आर्टिस्ट तक, और मार्की भी मिल जाएगी. हमारे प्रोड्यूसर साहब शादी अरेंज भी करा देंगे. हम कराते हैं ना, वो लोग जो ये समझते हैं कि वो शादी नहीं अफोर्ड कर सकते, वो हमें लिखते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप शो का हिस्सा बन कर सकते हैं तो हम आपकी शादी. नहीं जी, ए प्लस को बहुत क्रेडिट जाता है, ये तो मैं खुद विटनेस हूँ, जितनी शादियां आपने भी कराई हैं, हम सब लोगों ने मिलके. मानो मानो, मानो ये होगा फिल्मी नाम, कह रही अपना घर, कह रही अपना घर कब तक मिलेगा. और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 22/9/1997. और फजर के वक्त की पैदाइश है सुबह. ठीक हो गया जी, मानो मानो, मानो असल नाम तो क्या होगा. 1, 2, 3 and 4. अजय जी, इसके साथ ना थोड़ा सा हिफ्सा सिग्नेचर मेकअप की आपके बड़े सवाल आए हुए, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन वो पहले जरा जवाब दे लें. सर, मैं यही इनसे कहूंगी कि इसमें ज्यादा टेंशन ना लें. अगर अल्लाह पाक ने आपको इतना कैपेबल रखा हुआ है कि जो है वो आप आज किराया भी अफोर्ड कर सकती हैं, तो बड़ी ब्लेसिंग है कि अपनी छत के नीचे आप नहीं हैं. लेकिन एक इन्हें मशवरा देना चाहूंगी कि जब भी घर बाय करें अपने नाम पे मत कीजिएगा. अल्लाह पाक ये खुशी आपको देंगे, जरूर मिलेगी, लेकिन अपने नाम पे मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके नाम पे जरा सी जमीन के उस पर सख्ती सी.
दे दिया करें, अंडे, चीनी, चावल, जो भी जितना भी आप अफोर्ड कर सकें। ठीक है, अच्छा 8-7 और ये पूछना चाह रही है अपनी एजुकेशन के बारे में, करियर के बारे में। ठीक है, आपकी पसंद का सवाल आ गया। नहीं सर जी, सिग्नेचर मेकअप क्या डिफरेंस है खरा? हाँ ये पूछना चाह रही हूँ, बिल्कुल जी जरूर पूछे, मैं भी बताना चाहूंगी आप खुशी से। हर लेवल पे मेकअप हो रहा होता है, वी हैव सिग्नेचर मेकअप, वी हैव सीनियर आर्टिस्ट मेकअप, वी हैव असिस्टेंट सीनियर आर्टिस्ट मेकअप। सिग्नेचर का फर्क ये फर्क होता है कि हम मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, और हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं। सो आप ये देखें कि एक वक्त में अगर बाल बनने हैं तो 5-6 हेयर स्टाइल्स बन के देख रहे हैं क्या सूट करेगा। अच्छा, लैशेज डिस्कस हो रही है, मेकअप डिस्कस हो रहा है, कपड़े ज्वेलरी डिस्कस हो रही है और मल्टीपल टाइम डिस्कस हो रहा है, और उसमें उनकी कंप्लीट सैटिस्फेक्शन है, शी नोज व्हाट शी इज गोइंग टू लुक लाइक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैटेगरीज। सारा ये भी रेट डिफरेंट होता है। हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज उसमें हम टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा फरा, इनका ये है कि ये जो सारा नाम बताया ना आपने, फरा इनकी हायर स्टडीज में कहीं रिकावट आ सकती है, सिलसिला कहीं रुक सकता है, उसके लिए इस बच्ची ने, क्योंकि डिटर्मिनेशन बहुत है लेकिन फैसिनेशन की दुनिया बहुत ज्यादा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना शुरू कीजिए जिंदगी में, प्रैक्टिकल होइए, क्योंकि जो चाहोगी आप जिंदगी से पाओगी अगर थोड़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग रखोगी, बहुत ख्याली दुनिया में नहीं जाओगी। और हायर स्टडीज में अगर कहीं ब्रेक लगती हुई है, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि दोबारा आपने शुरू कर देना है, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ देना है लेकिन थोड़ी सी रिकावटें आएंगी, तो वो आपने उनसे फाइट करनी है। माहम जावेद, 2 अक्टूबर 1999, ये सब चीजें जानना चाह रही है, फ्यूचर, करियर, जॉब, शादी। ये जो बर्थ के 2 अक्टूबर 1999। अच्छा जी, सब कुछ ही जानना चाह रही है। नाम है माहम जावेद जी, सब कुछ। माहम, आपका जॉब हाउस भी बहुत अच्छा है, सिर्फ ये कि पैसे आएंगे लेकिन आप बचा नहीं सकेंगी, फैमिली हाउस भी आपका अच्छा है, फिर आपकी ख्वाहिशात के रास्ते में, वो कहते हैं ना कि आपने बस ख्वाहिश करनी है, कोशिश करनी है, देर सवेर हो जाए ख्वाहिश का पीछा नहीं छोड़ना, जो चाहेंगी आप पाएंगी। लव स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाला मियाँ मिलेगा, खुद आपके मूड स्विंग्स भी बहुत रहते हैं। आपको सबसे बड़ा एज है कि आप बहुत अरसा अपनी उम्र चोर रहेंगी, अपनी उम्र से छोटी लगा करेंगी, तो माहम खुश रहिए और दोस्तियों वाला हाउस भी अच्छा है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए करें, कभी एक आध एक्सपीरियंस बुरा हो भी जाए तो दिल बुरा नहीं कीजिएगा जी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है सिद्रा यासीन जी, 16 अप्रैल 1992, रात 10:30 बजे पैदा हुई हैं, और ये हर चीज के बारे में पूछना चाह रही हैं, खासतौर पे शादी के बारे में, जॉब, शादी। ठीक है, ये 16 अप्रैल 1992 रात 10:30, ये जो सब दुल्हनें बनी हुई इनमें से किसी का सवाल नहीं शादी का, क्योंकि इनमें से कोई भी मैरिड नहीं है, आप इनको देख के ये मत, अभी ये दुल्हन मोड में ना इसलिए बड़ी खामोशी से बैठी हैं, आप प्रैक्टिसिंग टू बी बिकमिंग ब्राइड। इनका क्या सवाल था? शादी, जॉब। वाह जी वाह, शुक्र है अल्लाह का, आज जो लोग शादी का सेट है और जो लोग शादी के सवाल कर रहे हैं, जवाब मेरे पास अच्छे हैं। बहुत ही खूबसूरत शक्ल का मियाँ इंशाल्लाह मिलेगा, गुड लुकिंग भी होगा, और यहाँ पे अब कोई अल्लाह ना करे रिकावट भी नहीं है, पीछे एक आध रिलेशनशिप अगर आपका फेल हुआ भी है तो उस पर दिल बुरा मत कीजिएगा, और अपना डरिएगा मत, क्योंकि आने वाला जिंदगी में प्यारा भी है और जो है अच्छा भी है, नजर आता है। हाँ, ससुराल जो बनेगा उसमें डे वन से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, ताकि ना ज्यादा तवक्कुआत बने ना आपका ज्यादा दिल दुखे। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच सामिया, बहुत शुक्रिया उजैर फॉर ऑल द ब्यूटीफुल ड्रेसेस, एवरीबडी इज लुकिंग स्टनिंग। वो हमेशा मुश्किल पड़ जाती है कि हाँ जोड़ा कौन सा अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं, एंड ये हमारी फाइनल लुक, बिल्कुल जी फाइनल लुक है, और जैसे कि आपने खत्म करते करते ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, सो वी हैव प्रॉमिस यू योर ट्रांसफॉर्मेशन। बाल भी आप देखें हमने विद इन 15 मिनट्स क्रिएट कर लिए हैं, और टीका हम जरूर सीधा कर देंगे इनको, बिल्कुल। ये एक आपके सामने जो मेकअप से बिनिश, आप यहाँ आ जाइए, आपके सामने हफ्सा ने यहाँ पे मेकअप किया है, बिनिश का मेकअप किया गया बारात का, और इकरा का मेकअप किया गया वलीमा का, ये दोनों ब्राइड्स आपके सामने यहाँ पर तैयार हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों के लुक, दोनों का स्टाइल, दोनों का अंदाज है, वो कितना डिफरेंट है, और 2 घंटे के अंदर कम से कम 2 तो ब्राइड्स हमने बस कम में तैयार किए, लेकिन हमने 2 तो यहाँ सामने आपको दिखाई थी। वंडरफुल टू हैव यू, बहुत शुक्रिया आपका भी हिस्सा, आपका भी उजैर,
समरा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. बहुत खूबसूरत ज्वेलरी एंड मुझे यकीन है कि बहुत सारी टिप्स आप लोगों को देखने को मिली होंगी. वाइंड अप मैंने करना है इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे. जो आपकी दुआएं हैं, आरजुएं हैं, अरमान हैं, वो आपको नसीब हो अपनी जिंदगी में और आप उनको इंजॉय कर सकें. हैव अ ब्लेस्ड डे. अल्लाह हाफिज़.